क्या चल रहा है? होप अच्छे होंगे। फिलहाल भाई लास्ट एपिसोड में हमारा ड्राइवर गया था लिबर्टी सिटी क्योंकि हमें डील करनी थी लिबर्टी सिटी वाले बंदे, क्योंकि वो गाड़ियां बेचना चाह रहे थे लॉस सैंटोस में। तो मैंने सोचा क्यों ना यार, चलो बंदों को कंपनी खोल ले देते हैं, शोरूम वगैरह करने देते हैं ताकि यहाँ पे काफी अच्छा काम हो जाए। बट मुझे नहीं पता था भाई कि सारा ऐसा काम होने वाला है। वैसे बहुत अच्छा काम चल रहा है। फिलहाल मैंने क्राइम रेट को 10% से कम ला दिया है, अमेजिंग काम चल रहा है। बट शायद से थोड़ी देर के बाद नहीं चल पाएगा, पता है, क्योंकि आपको पता है भाई लिबर्टी सिटी वाले बंदों ने मेरे को धमकी दी थी। फिलहाल उनका नेता मैं बनवाऊंगा, मैंने कुछ बंदों को भेज के रखा है। ऊपर से मैंने अपने चाचाओं के सारा काम दे दिया कि जाओ जल्दी से और चेक करो कहां कहां पे लिबर्टी सिटी के बंदे लॉस सैंटोस में और अलग जगहों पर है, और लिबर्टी सिटी में भी जाओ वहां पे उन बंदों को सबक सिखाना जाकर के। देखो फिलहाल भाई अभी लड़ाई ज्यादा लंबी फैली नहीं है, तो खुलेआम तो मैं अटैक नहीं करवा सकता लिबर्टी सिटी के ऊपर। जब खुलेआम अटैक करवाने वाली बात आएगी मतलब तो बात काफी आगे निकल जाएगी, क्योंकि लिबर्टी सिटी वाले बंदों का जो काम अभी है ना वो लॉस सैंटोस वालों को नहीं पता और ना यहाँ के न्यूज वाले बंदों को पता फ्री में। इसलिए मैं लड़ाई अभी एकदम से ओपन में नहीं करना चाहता भाई, नहीं तो ब्लेम मेरे ऊपर जाएगा कि ट्रेवर तो प्रेजेंट बनते ही लिबर्टी सिटी में अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा है, ये न्यूज फैलेगी और काफी बदनामी होगी। इसलिए मैं चोरी चुपके से भी काम कर रहा हूँ, बंदों को चुपचाप ही मार रहा हूँ। अगर मेरे को कुछ लगता है भाई कि भाई प्रॉब्लम ज्यादा है तो बाद में देख लेंगे, फिर खुलेआम मारेंगे। बट फिलहाल मैं चुपचाप ही काम कर रहा हूँ और बंदों को ढूंढ रहा हूँ कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। बादशाह का दोस्त है तो कुछ भी करेगा मेरे से बदला लेने के लिए। पता नहीं क्या सोच के रखा होगा, क्या उसका प्लान है, वो पता लग जाएगा। फिलहाल चलिए भाई अभी जल्दी से जगह पर निकलते हैं। अभी मेरे को अपने कुछ बंदों के पास जाना है आइलैंड पर, वो बंदे मारे गए हैं गारंटी से मैं बोल सकता हूँ भाई। फिलहाल हमारे उसी भाई ने सभी को मारा होगा लिबर्टी सिटी वाले बंदे ने, तो मेरे को देखना है जाकर के बंदे का प्लान क्या है, वहां पे क्या मेरे को कुछ क्लू मिलता है या कुछ होता है। बस मेरे को उसका प्लान एक बार पता चल जाए भाई, उसके बाद मैं उसको खत्म कर दूंगा, या तो लिबर्टी सिटी जाकर या यहाँ पर ही। पहले पता तो चले बंदा करना क्या चाहता है। देखो एकदम से तो मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बंदा भी मेयर है, मतलब मेयर के एक तरीके से प्रेजेंट ही होता है, तो उस बंदे को मारना थोड़ा मुश्किल पड़ने वाला है, क्योंकि मारने के लिए कोई अच्छी सिचुएशन बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं मैं गया मिनी गन ली और फटाफट से बंदे को मार दिया, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे को बताना भी तो पड़ेगा मैंने शहर के एक मेयर को मार दिया बिना वजह। ऐसा नहीं होने वाला, ट्रेवल को जेल भी हो सकती है और भाई आपस में बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है, इसलिए वो सिचुएशन बाद में देखेंगे। अगर भाई बंदे ने उसे ज्यादा गुस्सा दिला तो ट्रेवल किसी से कम नहीं है, लिबर्टी सिटी में घुस करके मारेंगे। फिर अगर ज्यादा सर मतलब कहते हैं ना पानी सर के ऊपर से चला गया तो फिर सिचुएशन खराब हो जाएगी। चलिए फिलहाल अभी गेम को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या होने वाला है, कितनी चीजें खराब होगी कितनी सही होगी, और क्राइम रेट पूरा जीरो में कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा इसी रेट में, देखते भाई। अपना प्यारा ड्राइवर भाई आ चुका है, तो फिलहाल अभी देखो मैं जाने लग रहा हूँ जगह पर जो मैंने आपको बता दिया है भाई, आइलैंड पर जाना है। वहां पे मेरे कुछ बंदे मर गए हैं, आपको याद है कौन सा आइलैंड? बहुत टाइम पहले वहां पर मेरा एक हसमुख चाचा रहता था उसके आइलैंड पर, वो भी गायब हो गया था। आज फिलहाल भाई वो सारे बंदे ही मार दिए, उन्हीं ने मारे लिबर्टी सिटी वाले बंदे ने, और आज की डेट में दुश्मन कोई है नहीं, बादशाह मेन दुश्मन है और वही उनको बंदों को कंट्रोल कर रहा है, सारा काम वही कर रहे होंगे, बाकी तो देख लें कंफर्म कौन है। और पीछे मेरे प्यारे गार्ड्स भी फॉलो करते रहते हैं हेलीकॉप्टर वाले बंदे नमूने, जैसे कि मैं मैप पे देख पा रहा हूँ। फिलहाल देखो काफी पीछे रह गए, मैंने इनको बोला है भाई फिलहाल मेरे को भी फॉलो मत करो, मैं उनको प्राइवेट काम करने जा रहा हूँ। बट यार ये जेड प्लस आर्मी बिल्कुल नहीं छोड़ती पीछा मेरा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। आप पता नहीं क्या सोचेंगे इस मर्डर के बारे में, मैं नहीं तो आपको पता ऐसी ऐसी जगहों पर अकेला जाता हूँ। बट ये नमूने बोलते हैं ड्राइवर सर आपको हम ऐसा नहीं छोड़ सकते अकेले में, कोई कुछ भी कर सकता है, कमाल है भाई इन बंदों का भी। चलिए भाई मैं फिलहाल पहुंच चुका हूँ जगह पर, तो देखो भाई अभी यहाँ पे बोट लाने के लिए तो काफी टाइम लगने वाला है, इसलिए मैं ऐसे निकल जाऊंगा तैयार तैयार के। ट्रेवर गिरा 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 है, शाबाश, मेरे को पता था गिरने वाला है बहुत परफेक्ट तरीके से, बट कोई दिक्कत नहीं, चोट नहीं लगाने वाली क्योंकि सीधा पानी था नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ट्रेवर ब्रो जल्दी से निकलो भाई, थोड़ा सी तैयार करके जाना है बस, ज्यादा कोई लंबी चीज नहीं है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आप सामने देख रहे हो एक प्लेन पड़ा हुआ है, लगता है किसी ने प्लेन क्रैश यहाँ पे शायद से किया है, पक्का नहीं बोलूंगा बट दूर से तो मैं ऐसे देख पा रहा हूँ। फिर आगे की तरफ निकल, आगे की तरफ निकल। फिलहाल भाई एक भी गार्ड सिंगल यहाँ पे दिख रहा है भाई, यहाँ पर एक प्यारा सा हस्की था, एक प्यारा सा शेफर्ड था, जैसे अपने ट्रेवर के डॉगीज थे, बड़े याद आते हैं भाई ट्रेवर को। ट्रेवर तो बेचारा घर पर मतलब मन नहीं लगता बिल्कुल भी, पता नहीं क्या दिक्कत है। पॉइंट क्या है देखते भाई, चलिए अगर टाइम मशीन सही हो जाए ना तो मज़ा आ जाएगा यार। फिर मैं चाहे देखो एक चीज़ तो चेंज कर ही सकता हूँ, बट देखो अगर मैंने वो चीज़ चेंज करी ना, रोकी डोगी को लाया मैं वापस, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें चेंज होगी। अगर वो नहीं मरेंगे तो सिचुएशन सारी की सारी बदल जाएगी। जो भी है भाई देखो, अगर मेरे हाथ कभी ना कभी टाइम मशीन लगी ना तो मैं उनको ज़रूर वापस लेकर के आऊँगा, जो होगी देखी जाएगी, जो चीज़ बदले की बदल जाने, तो दोबारा किसी को मारना हो मार देंगे, क्योंकि फिर मेरे को सब पता रहेगा कौन दुश्मन है कहाँ पे है वगैरह वगैरह, फिर मैं आराम से उसका मर्डर कर सकता हूँ। बट रोकी डोगी को बचाने के लिए अगर मौका मिला तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा बंदे भाई यहाँ पर मर गए जैसे कि मैं देख रहा हूँ, और बहुत बुरी तरीके से मारा है, प्लेन पीछे पड़ा हुआ है। अंदर जाकर के चेक करता हूँ कोई बंदा अंदर है नहीं है। फिलहाल हेलो जी कोई है क्या? कोई भी नहीं है भाई यहाँ पे, तो छत भी उड़ा के ले गए बंदे। एक बात समझ नहीं आई, यहाँ पे छत थी पहले, बंदों को मारा छत भी ले गए, सस्ते गुंडे थे चोरी करने वाले थे।
खैर जो भी है भाई पता लगवाता हूँ, फोन करता हूँ अपने प्यारे भाइयों को। माइकल ब्रो चेक कर फटाफट से, कुछ गड़बड़ चल रही है हमारे एक आइलैंड पर। मैंने माइकल को सारी सारी बातें समझा दी भाई, माइकल जल्दी से पता करे, कंफर्म करेगा कि लिबर्टी सिटी वालों का ही काम है फिर किसी और का काम है। देखो आगे सोते सोते मैं तो बहुत तेज यहाँ पर आ गया था, इन बंदों को पता भी नहीं चला। वैसे अच्छी बात है भाई तेज आ जाओ, मेरी जेड प्लस आर्मी को कुछ पता नहीं चल पाया ड्राइवर यहाँ पे क्या करने आया था। मेरे को जो देखना था मैंने देख लिया। चलो भाई नमूना इधर से आ जाओ वापस से। अच्छा तुम लोग थोड़ा लेट आए हो, नाश्ता करने के लिए रुक गए थे क्या? तो फिलहाल चलिए भाई अभी सिटी हॉल पर निकलते हैं अपने ऑफिस पर, और वहीं पे जा करके पूछताछ करता हूँ अपने पीए से और पूछता हूँ आज कितना क्राइम रेट बचा है। करेक्ट एकदम बता मेरे को, और ये बताओ उसको कैसे कम करना है। मतलब ड्रग वाले बंदे अभी भी हैं, वेपन वाले हैं, जैसे भी ये सब कुछ खत्म करना है भाई 10% में लेकर के आ गया। बट मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, सिर्फ 5 दिन ही बचे हुए मेरे प्रेजेंट के, 10 दिन बीत चुके हैं। अगर इन 5 दिन के अंदर अंदर मैंने सारा काम नहीं करा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। वैसे मुझे लगता है मैं तो आज की डेट में 10% कम कर दूंगा, बस ये लिबर्टी सिटी वाले कुछ पंगा ना करे। पहुंच चुका हुआ है प्यारे सिटी हॉल पर, मेरी प्यारी आर्मी यहाँ पे खड़ी रहती है। वैसे आर्मी को अपने मतलब गुलाम बनाने से मजा बहुत आ रहा है, एक तरीके से ट्रेवर के सारे सारे सर्वेंट नौकरी आप बोल सकते हो, क्योंकि सब मेरे लिए काम कर रहे हैं। एक टाइम में इनके अंदर इतना एटीट्यूड था, आ गए नमूनो सीधे हो गए ना प्रेसिडेंट ट्रेवर सर गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो हर टाइम मजा आता है बहुत ज्यादा भाई। पीए भी मेरे को बहुत अच्छा मिला सच में, इतना कमाल का और इतना समझदार पीए है, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा बंदा भी लोस सैंटोस में होगा। गवर्नमेंट के लिए काम करता है पर दिमाग इसका चलता है माफिया जैसा। अगर 1% भाई चलिए बंदा मान लो, अगर चलो नेगेटिव भी सोच के चलते हैं भाई, देखो दोनों चीज जरूरी नहीं पॉजिटिव हो, अगर 1% में प्रेजेंट नहीं बन पाया किसी तरीके से नेगेटिव में ले लो, तो मैं इस बंदे को तो जरूर अपने टीम में लूंगा। इसका दिमाग बहुत खतरनाक चलता है, ये आइडियाज काफी अच्छे देता है शहर को साफ करने के बाकी और चीजों के। हेलो भाई पीए क्या हाल चाल है? अच्छा बोल आज क्या क्या करना है, कौन कौन सा बंदा जिंदा है, हर एक चीज। मैंने अपने पीए से बातें कर ली है, पीए मेरे को बोलता है ट्रेवर सर काफी हद तक बंदे पकड़े गए हैं भाई, हम लोगों ने बहुत से बंदे तो मार दिए और जेल हो गई फुल। अब मेरे को बोल रहा है भाई ट्रेवर सर क्या करे जल्दी से बताओ मेरे को वगैरह वगैरह, जेल फुल हो चुकी है। तो मैंने बोला भाई मेरी जेल के ऊपर भी अटैक हो गया, आपको याद है भाई लास्ट एपिसोड में भूलना मत हमारे जेल के ऊपर अटैक हुआ था, जिसमें आरडीएक्स और अपना शैतान वाला बॉस भाग गए दोनों के दोनों, उनके साथ और भी बहुत खतरनाक खूंखार क्रिमिनल भाग गए हैं। अब देखते हैं वो कैसे हम ढूंढ के लेकर के आ पाएंगे। तो फिलहाल भाई हमें जेल कम पड़ रही है कैदियों को रखने के लिए भाई, सीधी सी बात है इतने ज्यादा बंदे मैंने अरेस्ट करवा दिए, मैंने सीधा भाई 80% से क्राइम रेट 10% में लेकर आया, तो आप सोच सकते हो कितने बंदे मैंने पकड़े। जेल फुल हो गई है लोस सैंटोस की बड़े वाली, कमाल हो गया कमाल हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उनको यहाँ वहाँ पे शिफ्ट करो, अब ये मेरे को बस ये बता दे और कोई दिक्कत नहीं इसके अलावा, बाकी 10% तो मैं कम कर ही दूंगा। इसके हिसाब से ड्रग वाले बंदे सारे खत्म हो चुके हैं, वेपन वाले बंदे बस कुछ ही बचे हुए हैं जो छुप के यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं वो भी खत्म हो चुके हैं। वेपन वाले बंदे मतलब कि जो इलीगल वेपन सप्लाई करते हैं और बेचते हैं वो भी बहुत बड़ा क्राइम है, और बहुत सारे बंदे ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो भाई बंदों को किडनैप करके उनको बेच डालते हैं, ज्यादातर उनमें लड़कियां होती है और उनके बॉडी पार्ट्स को बेचते हैं, बॉडी ट्रैफिकिंग वगैरह, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक के लिए काम लॉस सैंटोस में चलते हैं भाई। वैसे लॉस सैंटोस में नहीं है हर जगह चलते हैं, बट ट्रेवर के शहर में आज से नहीं चलने वाले। फिलहाल मैंने कुछ कुछ बंदों को और पता लगाया, उनको जाकर के पुलिस अरेस्ट करेगी और क्राइम 0% करने वाली है, और अब मेरे को जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां पे इन बंदों को पकड़ के रखना है भाई, क्योंकि जेल फुल है, मेरे पास जेल नहीं है, और भाई वो ऊपर जो आसमान वाली जेल है वो भी फुल है। शहर में जहां जहां पर हम कैदियों को रख सकते हैं वो सारी की सारी जेल फुल हो गई है। बताओ भाई कैसे कैसे दिन आ रहे हैं, लॉस सैंटोस के बंदे बोलते होंगे कि ट्रेवर ने सबको ही पकड़ लिया। वैसे सीधी सी बात है मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, मुझे प्रेजेंट बनना है बात खत्म, उसके लिए चाहे मैं किसी को भी अंदर कर डालूं कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद की बाद में देख लेंगे। चलिए जेल भी ढूंढता हूं कोई नई बंदों के लिए ताकि वहां पे नए बंदों को शिफ्ट किया जा सके। फिलहाल यहां से निकलता हूं, और पीए बोल रहा है ट्रेवर से सब अच्छा चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब भाई अभी तक लिबर्टी सिटी वाली बात किसी को पता नहीं चली, अच्छी बात है, और ना मैं किसी को पता लगने दूंगा, चुपचाप ही सारे काम करूंगा। बट एक बात मेरे को समझ नहीं आ रही भाई, आपको याद है उस बंदे ने अपने बिल्डिंग्स को ब्लास्ट किया था, लिबर्टी सिटी वाले बंदे ने बोला था ये चीज मैं न्यूज पर चलाऊंगा, उसने अभी तक ये बात किसी को बताया नहीं यार, क्योंकि अभी तक तो पता लग जाना चाहिए था लॉस सैंटोस वाले बंदों को कि भाई यहाँ पर मैंने बॉम्ब फोड़ा लिबर्टी सिटी में जाकर के ट्रेवर ने लड़ाई शुरू करी है। अब तक वो न्यूज वायरल नहीं हो भाई, अगर होगी भी तो मैं होने नहीं दूंगा, उसको हटवा दूंगा। बट कमाल है उस बंदे ने तो कुछ किया नहीं है, चलिए खैर देख लेंगे। तो बाद में निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि भाई मेरे पास फोन आया है मेरे सीक्रेट सर्विस वाले बंदों का। आपको याद है सीक्रेट सर्विस है मेरे लॉस सैंटोस जो मेरे लिए काम करती है अंडरग्राउंड, उन बंदे ने मेरे को स्पेशली बुलाया, बोला ट्रेवर से जल्दी आइए यहीं पर आकर के बात बतानी है आपको। पहुंचता हूँ भाई, मैं पहुंच चुका हूँ अपने सीक्रेट सर्विस वाले बंदों के पास, चलिए फटाफट से पता करता हूँ सारी सारी रिपोर्ट। हेलो भाई, अच्छा बोलिए क्या दिक्कत है? ट्रेवर सर कुछ लिबर्टी सिटी वाले बंदे देखे गए एक जगह पर, जैसे कि आपने हमें बोला था सारी बातें पता करने के लिए, कुछ बहुत बड़ा प्लान बन रहा है, आप फिक्र मत कीजिए, लॉस सैंटोस में कहीं पर भी बात लीक नहीं होगी, हम आपके लिए काम करते हैं सारे सारे बंदे, ये बात बिल्कुल लीक नहीं होने देंगे। अगर किसी न्यूज चैनल ने न्यूज चलाने की कोशिश भी करी हम उसको ब्लॉक कर देंगे ताकि वो बंदा अपना न्यूज चैनल ही ना चला पाए। आप चिंता मत कीजिए और जगह पर पहुंचिए और चेक कीजिए क्या प्लानिंग बन रही है, इससे पहले लिबर्टी सिटी कुछ खतरा करे आपके लिए शहर के लिए खत्म कर देंगे, उसको जड़ से मिटा देंगे। फिलहाल भाई बंदों की आपने बातें सुनी ली है, मैंने इन बंदों को सभी को शेयर करके रखी है सारी सारी बातें, बाकी और को किसी को नहीं बताया, क्योंकि देखो भाई इनको नहीं बताऊंगा
तो काम खराब हो जाएगा। अब अगर शहर में कोई न्यूज़ पे चलाएगा भी ना इस बात को, तो ये बंदे चलाने नहीं देंगे, उसका न्यूज़ चैनल हैक कर लेंगे, कुछ ना कुछ करके उसको रोक देंगे। और ये बंदे लगे हुए हैं परमानेंट लिबर्टी सिटी वाले बंदों को चेक करने में कहाँ कहाँ पर बंदे हैं। तो इनके हिसाब से भाई एक जगह पर बंदे हैं, चलिए जल्दी से निकलता हूँ। ये बोल रहा है कि ट्रेलर भाई वहाँ पे जाइए चुपचाप और जाकर के चेक कीजिए क्या ड्रामा चल रहा है, बंदे बहुत बड़ी प्लानिंग बना रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ठीक है भाई, चलिए जल्दी से जाकर के चेक करता हूँ क्या प्लानिंग बनाई जा रही है। हर एक चीज़ कुछ ना कुछ तो बड़ा प्लान सोच रहे हैं ये बंदे, पिटेंगे यार क्या मैं बोलूं इनको। चलिए ठीक है भाई, वेट करता हूँ। फिलहाल भाई मैं जगह पर पहुँच चुका हूँ, यही जगह मेरे को बताई गई थी। आगे तरफ निकलता हूँ, मैं अपने बहुत सारे पर्सनल वाले बंदों को लेकर के आया हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी कोई भी जेड प्लस आर्मी को नहीं लाने के लिए बोला, मैंने बोला कि भाई मेरे को अकेला छोड़ो, मैं बहुत जरूरी काम करने के लिए जा रहा हूँ। तो बंदों ने बड़ी मुश्किल से मेरा पीछे छोड़ा और फाइनली मैं अपने बहुत सारे बंदों को अपने साथ में लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि देखो बंदों को मारना पड़ेगा, बट उससे पहले इनका प्लान पता करना पड़ेगा। प्लान पता करने के बाद ही मैं बंदों को ठिकाने लगाने वाला हूँ। और भाई फटाफट से इधर और शोर बिल्कुल मत करना, ये बंदे वैसे बड़े समझदार यार, जहाँ पे इनको पता है शोर नहीं मचाना, बिल्कुल शोर नहीं मचा, देखो कितने आराम से आ रहे हैं ऐसे ही बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अकल तो वैसे है यार देखो बंदों में, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। तो ठीक है भाई, इनको लेकर के चलता हूँ पीछे वाली तरफ से, जहाँ से भी मैं बंदों को देख सकता हूँ। पहले मैं अच्छे से व्यू से बंदों को देखूंगा, उनकी हरकतों को समझूंगा हर एक चीज़, और उसके बाद अटैक करना शुरू करेंगे बंदों के ऊपर। आ जाओ फटाफट से आ जाओ, इधर से हमारा रास्ता मिल चुका है भाई। चलिए यहाँ से निकलता हूँ। ओके फाइनली यहाँ से है रास्ता, थोड़ा थोड़ा ही रास्ता है। ओके फिलहाल मेरा एक बंदा और आ चुका है, जेड प्लस वाला बंदा, मतलब कि मेरा प्राइवेट बंदा है अपना, कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं है। मैंने एक हेलीकॉप्टर को बुलाया था भाई, ताकि जरूरत पड़ सके, क्योंकि क्या पता कितने बंदे हो परेशान करने के लिए, तो सारा सारा काम हो जाएगा। ओके ओके जल्दी, तुम्हारे बाकी भाई कहाँ हैं, घूम गए आ रहे, आने तो उनको जल्दी से आने। तो ठीक है भाई, चलिए आगे निकलते हो बढ़ करके, क्योंकि बंदे क्या पता कहाँ पर हो सकते हैं। नजर रखना भाई चारों तरफ, क्या पता बंदे कहाँ से हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हेलीकॉप्टर वाले बंदे को एक सेकंड भाई, मैं इसको मार्क लगा देता हूँ, इसको अभी इसका कुछ काम नहीं है, इसको मैं बोलता हूँ तो एक काम कर, यहाँ पे जा करके इसको लैंड करा। बंदे देखो भाई जाने भी लग गया अपना सारा काम, बड़े जल्दी से बंदे समझ जाते हैं, बहुत ही अच्छा। देखो यार हेलीकॉप्टर को भेजना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि अगर इसको नहीं भेजता तो बहुत शोर हो रहा था। बंदे सोचते यहाँ पे जो मीटिंग करने वाले बंदे हैं कि ट्रेवर मतलब यहाँ पे कोई आ गया है, हेलीकॉप्टर आपको बता कितनी साउंड करता है, दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, और कोई ना कोई तो समझ जाता है, बंदे यहाँ से भाग जाते हैं। अबे नमूनो फिलहाल मेरे को कोई दिख नहीं रहा, इतनी दूर तक हम लोग आ चुके हैं, आराम से चोरी चोरी छुपके छुपके चलते रहना, जरा देखो तो सही कल चल क्या रहा है, कहाँ पर बंदे, जरा यहीं पर रुको पहले मेरे को देख रहे तो क्या चीज़ चल रही है। ओके भाई लगता है सामने तरफ गार्ड है, इधर आ जाओ भाई नमूनो, इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे इस तरफ हट जाओ यार, तुम मेरे रास्ते मत आया करो, मैं घूसा वगैरह मार दूंगा। अबे यार हद हो गई है, हट जाओ, इस तरफ आ जाओ। तो फिलहाल एक काम करो, यहाँ पर कवर ले लो सामने की तरफ जा करके, यहाँ पर हम सारे बंदे यहीं पर छुपने वाले हैं। तो ठीक है भाई, चलिए एक काम करता हूँ, इनको ऑर्डर दे देता हूँ। सभी के सही बंदे बोल रहे हैं कि ट्रेवल सर ये सबसे बेस्ट जगह है कवर लेने की, हम लोग यहीं पर खड़े हो जाते हैं, आप पहुंच जाइए आगे तरफ। तो मैंने बोला ठीक है भाई तुम लोग यहीं पर रहना। तो फिलहाल भाई अभी सारे बंदे यहीं पर रहेंगे और नजर रखते रहेंगे, क्योंकि ना मेरे को लगता है सामने तरफ बंदे खड़े हैं। मैं जरा बायनोकुलर ऑन करके चेक करता हूँ भाई, सामने बंदे हैं नहीं है। ओके भाई सामने सच्चे बंदे हैं, बट काफ़ी दूर है बंदे, वो हमें देख नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि मेरे को भी इतनी दूर से ठीक से दिखने लगे, मैंने बायनोकुलर से देखा है इनको, ऐसे तो कोई देखने वाले हैं ही नहीं। तो एक काम करता हूँ, चलिए आगे तरफ निकलता हूँ पीछे वाले रास्ते से, मेरे गार्ड यहीं पर खड़े रहेंगे, जब मैं इनको इशारा करूँगा आ जाएंगे। मेरे को जरा बंदों की बातें सुननी है जाकर के, अच्छी बात है अंधेरे के टाइम में यहाँ पर आए, दिन के टाइम आते तो मैं मेरे को देख लेते, बट इस टाइम कोई मेरे को नहीं देख पाएगा। ट्रेवर जल्दी 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 भाई पीछे तरफ से निकल। ओके भाई ठीक है, मैं यहाँ से निकल चुका हूँ और थोड़ा सा इस तरफ से निकल लेता हूँ, परफेक्ट, कोई नहीं देख पाएगा। ट्रेवर निकलता रहे, परफेक्ट, बढ़िया भाई, मतलब बहुत अच्छे से सारा काम चल रहा है। अब देखता हूँ जरा यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि इससे आगे मैं जाऊँगा तो आप बंदे मेरे को देख सकते हैं। तो फिलहाल मेरे को अगर यहाँ से बचना है ना, तो मैं एक तरीके से यहाँ से निकल सकता हूँ भाई। चलिए थोड़ा ट्रेवर और पीछे से निकल ले ब्रो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके मैं यहाँ पर भी पहुँच चुका हूँ, थोड़ा सा और पीछे जा करके एक अच्छा सा भाई स्पॉट मिल जाए, ताकि बंदों की बातें ही सुन सकूँ तो मज़ा आ जाएगा। तो फिलहाल चलिए भाई मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ से भी मैं बहुत अच्छे से निकल जाऊँगा। कितने अच्छे अच्छे रास्ते बना करके रखे, चुपचाप कोई भी आना चाहिए तो आ सकता है। आ गया मैं, अरे भाई ये क्या रखा है, बोम, मुझे लगता है शायद से बंदे बोम से अटैक करने वाले ट्रेवर के ऊपर, बाकी और बंदे मतलब कुछ भी करेंगे, बट बॉम्ब बहुत खतरनाक है, जैसे कि आप देख रहे हो ये प्लेन से गिराने वाले बॉम्ब है भाई, गिरते ही सब कुछ टी एंड कर देंगे इनको, तो मैं सीधा करूंगा भाई। यहाँ पे तो कुछ बाला वाले बंदे भी है और यहाँ पर कुछ बात चल रही है बाला वाले बंदों से, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पर एक नमूना बाला वाले बंदों से बातें करने में लग रहा है। चलिए भाई काफ़ी टाइम हो चुका है, अब मेरे को लगता है मेरी आर्मी को बुलाना पड़ेगा। मैंने अपने सभी गार्ड्स को सिग्नल कर दिया है, अब जल्दी से मैं अटैक करना शुरू करता हूँ। जैसे ही मैं मारना शुरू करूँगा वो धीरे धीरे आ जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों। कैसे कहाँ जा रहा है, वाइट वाला बंदा भागे से गोली नहीं मारी तो इसके पैर में गोली लग गई ऑलरेडी, बहुत ही बढ़िया। इतना अंधेरा है सच्ची में, बंदों को ठीक से देख नहीं पा रहा है, नमूने इतना मारूंगा नाम भूल जाएगा। तो ठीक है चलिए भाई, बंदों को दिया मैंने कर दिया है, मेरी आर्मी नमूनों कहाँ पर रह गए, फटाफट से आओ बंदों को मारने के लिए। मेरी फिलहाल आर्मी ने आकर के भाई बहुत सारे बंदों को दिया कर दिया, थोड़ी देर में बंदे पहुंच गए थे सारे मेरे पास में, और इतना बुरा बजाया बंदों में, इतना बुरा बजाया, बहुत ही ज्यादा बुरा, बताओ गाड़ी की डिग्गी भी खोल डाली इतनी बुरी गोलियां बजाई है। तो पॉइंट है भाई सारे बंदे मर चुके हैं। चलिए एक काम करो भाइयों, हर एक बंदे का फोन को चेक करो जल्दी से और चेक करो बॉम्ब एक्टिवेट है नहीं है, मेरे को जरा इस बंदे से बातें करनी है। ये नमूना यहाँ पे सारी बातें समझा रहा था ना,
तो इसका मतलब यहाँ पे यही मेन बंदा है। चलिए फिलहाल फटाफट से मेरे प्यारे चाचा खड़ा हो जा, गोली लगी है ना, एक और लगेगी, खड़ा हो जा नहीं तो। मैंने बंदे से बातें कर ली है, इस बंदे ने बोला साफ साफ कि ट्रेवर सर मैं इतना कुछ नहीं जानता, हमें तो सिर्फ सभी बंदों ने मतलब सभी बंदों को लोस्ट वाले बंदों ने खरीद के रखा है, असली प्लान तो लोस्ट की गैंग ही जानती है, हम नहीं जानते। इसने ब्लेम लगाया लोस्ट वाली गैंग पर और बोल रहा है कौन से वाले बंदे हैं। चलिए भाई निकलता हूँ जगह पर, चेक करते हैं कौन से वाले बंदे हैं वगैरह वगैरह हर एक चीज़। ओके तो मेरे प्यारे भाई थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वाह बेटे भागेगा, इतना दम आ गया, भागेगा उछाल उछाल के मारती है मिनीगन। तो फिलहाल चलिए भाई जल्दी से जगह पर निकलता हूँ, और मेरे गार्ड्स ने कंफर्म कर लिया बोम एक्टिवेट नहीं थे, इनको पूछा दिया जाएगा सेफ जगह पर। तो ठीक है भाई, चलिए फटाफट से तुम लोगों को साथ आना है तो वैसे आ जाते हैं भाई, इनको साथ लेकर के निकलता हूँ और पुलिस वाले बंदे को फोन करता हूँ, उनके ऊपर ऑफिशियल रेड मारूंगा। पुलिस वाले बंदे को फोन करके लोकेशन देता हूँ लोस्ट वाले बंदों के, जल्दी से जाओ एक जगह पर, वहाँ पे कुछ गैंग वाले बंदे बैठे हुए हैं जो मेरे ऊपर अटैक करने की सोच रहे थे। ये बोलूंगा, झूठ बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा लिबर्टी सिटी के लिए कुछ कर रहे थे, ये बोलूंगा कि प्रेजेंट को मारने का प्लान बना रहे हैं। पुलिस को मैंने फोन कर दिया है, मेरे गार्ड थोड़ी देर में अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। चलिए फिलहाल मैं निकलता हूँ जल्दी से, तो देखते हैं भाई कितने बंदों में दम आया। लोस्ट वाली गैंग वैसे कभी नहीं सुधरेगी, उनको पता है ट्रेवर प्रेजेंट बन चुका है इतनी पावर्स के साथ में, फिर भी बंदे यार पिटाई वाला काम कर रहे हैं, क्या बोलूं मैं इनको, हीट बंदे कभी नहीं सुधरते। मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, मेरी आर्मी वाले बंदे भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं फिलहाल, आराम से बैठ के रखे हुए हैं। तो चलिए फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ, देख रहे हो भाई प्रेजेंट की पावर्स तो यही होती है ना, रात के टाइम पहुंचे फटाफट से पुलिस वाले बंदे बहुत सारे यहाँ पर, और एकदम से लोस वाले बंदे के ऊपर रेड मारी। मेरे प्यारे भाइयों गोली चलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त ये मेरे कहने पर आकर के रखे, अगर मैंने कुछ बोल दिया ना तो तुम्हारा एनकाउंटर भी यहाँ पे किया जा सकता है। फिलहाल मैंने अभी ये ऑर्डर्स नहीं दिए, लोस्ट वाले बंदे आराम से पुलिस वाले भाइयों कोई दिक्कत नहीं है, शांति शांति, प्रेजेंट ट्रेवर यहाँ पर आ चुके हैं। वैसे फिलहाल भाई ये मेरे को हमेशा बोलते हैं ट्रेवर सर आप दुश्मनों के अंदर मत जाया करें, एकदम से कभी गोली चला दे आप प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो आप लोस्ट एंड का, मैंने बोला टेंशन मत लो। हेलो जी लड़की जी क्या हाल चाल है, ठीक हो ना, गोली चलाने की कोशिश मत करना नहीं तो नेता बन जाएगा दो ही मिनट में। फिलहाल कितने ज़्यादा बंदे भाई यहाँ पर है, वैसे ज़्यादा भी नहीं है देखा जाए तो, कमी बंदे बेचारे बुरी तरीके से फंस गए। आंटी को देखो कैसे यहाँ पर मतलब कि एम करके रखी हुई है, गोली चलाना मत बुरा हो जाएगा, देखा निकट ट्रेवर आ चुका है, इसको बोलता हूँ जरा इधर देखो इधर, लड़की भाई काफी बुरी डर चुकी है ट्रेवर को एकदम से देख करके। देखो पहले गैंगस्टर वाली बात थी बट अब ऐसी नहीं है, जैसे इसने देखा कि ट्रेवर खड़ा हुआ है वही प्रेजिडेंट पीछे, इसने पहले मेरे पे ध्यान नहीं दिया था, डर गई बोल रही है ट्रेवर सर सो सॉरी हमारी कोई गलती नहीं, पुलिस एकदम से यहाँ पर आई और हमारे ऊपर रेड मारने शुरू कर दी, हमने तो कुछ किया भी नहीं। मैंने बोला तुमने कुछ किया नहीं है समझता हूँ, बट कुछ करने वाले तो हो ना, तो फिलहाल बस मैं कुछ प्लान जानना चाहता हूँ, अगर मेरे को बता दोगे तो सारे सारे काम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, समझ रही हो। लिबर्टी सिटी वाले बंदों ने क्या क्या तुम्हें ऑफर दिया है बस मैं वो जानना चाहता हूँ, बता दे तो अच्छा होगा नहीं तो बहुत बुरा होगा। लड़की ने सारी बातें बता दी है बट मेरे को एक बात और बोली, इसने बोला ड्राइवर सर प्लीज आप प्रॉमिस कीजिए कि जेल नहीं भेजोगे, प्लीज मैं जेल नहीं जाना चाहती। देखो मजबूर थे, लिबर्टी सिटी वाले बंदों ने धमकी दी थी कि जान से मार देंगे अगर ऑफर नहीं लिया, हम कुछ करने वाले नहीं थे ट्रेवर सर, सिर्फ हमने हाँ बोल दे कि हम करेंगे बट हम नहीं करते कुछ भी, सच्ची में नहीं करते आपके खिलाफ, हमें मरना नहीं कुछ करके, बट अगर हम तब ना बोलते तो लिबर्टी सिटी वाले गैंग हमें मार डालती। फिर इसकी सिचुएशन में समझ रहा हूँ, इसलिए ना सिर्फ नाम के लिए हाँ बोला बट इनका प्लान सुन लिया तो मेरा फायदा होगा। लड़की ने मेरे को सारा प्लान बता भी दिया, तो अपने एक काम बोलता हूँ पुलिस वाले को बोलता हूँ इनके ऊपर नजर रखना, अगर कुछ उल्टा सीधा काम करे तो मार देना, अभी के लिए छोड़ देता हूँ। लड़की छोड़ो यार क्या बता सच बोल रही हो, तो मैं पुलिस वालों को ये ऑर्डर दूंगा कि इनको भी जान से मत मारना, इनके ऊपर नजर रखना, अगर कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते पकड़े गए तो एकदम से खत्म कर देना, मेरे बारे में पूछ रहे मत। ऑफिसर्स मैंने फिलहाल लोस्ट वाले बंदे से बातें कर ली है तो मेरे को लगता है अभी के लिए इनको छोड़ देना सही रहेगा, बट अगर कुछ गड़बड़ हो आप लोग यहीं पर रहना, कुछ भी अगर ये खतरे वाला काम करते हैं मेरे बिना मार देना, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, समझे हो। मैंने पुलिस वाले को सारी बातें बता दी है, तो लोस्ट वाले का ऊपर की बात है, अगर ये भाई उल्टे काम करेंगे तो मरेंगे, मैंने तो बोल दिया ऑर्डर्स मैंने दे दिए। तो फिलहाल चलिए अब गाड़ियां बैठता हूँ, फटाफट से निकलता हूँ, अब आपको बताता हूँ भाई मैं पूरी पूरी बात क्या है। बहुत बड़ा प्लान बनाया है लोस्ट सैंटोसा, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रोबरी होने वाली है, ऐसी रोबरी होगी आज तक दुनिया में कितनी, मतलब ऐसी रोबरी कभी नहीं हुई है। वो लॉस सैंटोस को कंगाल बनाना चाहते हैं किसी तरीके से, ताकि लॉस सैंटोस की मतलब पैसा बिल्कुल जीरो हो जाए, जिससे लॉस सैंटोस भिखारी बन जाए एक तरीके से, फिर लिबर्टी सिटी वाले तब अटैक करेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले उनका प्लान है हमें भिखारी बनाना, मतलब पैसों से बहुत मजबूर कर देना, ताकि ट्रेवर की गवर्नमेंट के पास पैसा बिल्कुल भी ना रहे, ना ट्रेवर के पास और ना गवर्नमेंट के पास, जिससे क्या होगा हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और दूसरी कंट्रीज से बाकी और अलग जगहों से हेल्प मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बट ऐसा मैं नहीं होने दूंगा भाई बिल्कुल भी, मेरे होते हुए ये कभी नहीं कर पाएंगे बंदे। एक काम करता हूँ फटाफट से निकलता हूँ जल्दी से जगहों पर और बंदों को अलर्ट करता हूँ, बंदे रोबरी करेंगे तो मेरे को पता है बंदे कहाँ कहाँ पर रोबरी कर सकते हैं, मैं पहले से पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस सिक्योरिटी बैठवा देता हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना हो सके, सबसे बेस्ट यही रहेगा। अब कल सुबह सारे सारे काम करना शुरू करता हूँ, निकलता हूँ यहाँ से। मैं पहुँच चुका हूँ भाई, सुबह का टाइम हो चुका है, सबसे पहले मैंने गार्ड्स लगवाए ज्वेलरी स्टोर पर,
क्योंकि देखो यहाँ पर आपको पता है सबसे ज्यादा सोना होता है, डायमंड वगैरह होता है, तो यहाँ पर बंदे चोरी कर सकते हैं और यहाँ पे भी काफी मिलियन का पैसा इनको मिलेगा। मतलब मैं हर एक जगह पर सिक्योरिटी बिठाने वाला हूँ, जहां जाकर मेरे को लगता है बंदे चोरी करके हमारा माल लूट सकते हैं। एक रुपया चोरी करने नहीं दूंगा, मतलब कि एक डॉलर भी चोरी नहीं करने दूंगा मैं। फिलहाल न्यूज वाले बंदे नहीं मानेंगे, इन्होंने यहाँ पे देखा कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लग के रखे, कुछ ना कुछ तो काम चल रहा है यहाँ पर। मैंने यहाँ पे बहुत एडवांस गार्ड लगवाए भाई, बहुत अमेजिंग एकदम, सारे सारे बंदे यहाँ पर राउंड लगाएंगे और ज्वेलरी शॉप पर नजर रखें, कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। अगर होने दी मतलब मैं कुछ नहीं होने दूंगा हर एक जगह पर, यहीं पर नहीं, मैं आपको सारी जगह जाकर के दिखाऊंगा मैंने कहां कहां पर सिक्योरिटी लगवाई है। हेलो भाई गंजो, सारा काम अच्छा चल रहा है ना? चलिए बंदर की चल के दिखाता हूँ भाई। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा होता है, इसलिए इसको चोरी नहीं करने दिया जा सकता। बंदे कुछ भी चुरा सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, क्या होता है कितने बंदे यहाँ पर होने वाले हैं। मैंने हर जगह चारों तरफ गार्ड लगा दिए, ऊपर स्नाइपर लगा दिए, ये मतलब कि पूरी पूरी शॉप जो है सेफ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेजेंट की सिक्योरिटी है भाई, ऐसे थोड़ी बंदे यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। चारों तरफ बंदे नजर रख रहे हैं, मैंने दोनों उधर रास्ते भाई सील करवा दिए, मतलब कि पूरे क्लोज करवा दिए, कोई आ जा नहीं सकता इधर से भी और उधर से भी, कोई भी आएगा तो बहुत बुरी तरीके से पिटने वाला है। चलिए एक जगह तो मैंने सेफ कर दिया भाई, अभी मैंने अपने गार्ड्स को यहाँ वहाँ पे लगा दिया। मैंने बोला मेरे पीछे मत घूमो, जगहों पर जाओ जहाँ जहाँ पर तुम्हें नजर रखने के लिए मैंने बोला है। मैंने अपने मतलब कि जेड प्लस सिक्योरिटी को मैंने बोल दिया कि भाई तुम लोग भी मेरे पीछे मत घूमो अच्छी जगह पर, भाई वो भी चले गए हैं। अब उनको मैं अपने पीछे ले घूमूंगा, बेवकूफ़ी है। उनको जगह जगह पर मैंने खड़ा कर दिया भाई, अच्छी अच्छी जगह पर, ताकि जहाँ पर अटैक होने का मेरे को लगता है ना कि हो सकता है, मैंने वो जगह सेव करवा दी है। फिलहाल चलिए ये जगह हमने देख लिया, आगे निकलते हैं। फिलहाल मेरे पीए का मेरे पास फोन आया। देखो पीए भाई सारी चीज़ जानता नहीं है लिबर्टी सिटी के बारे में और ना उन पंगे के बारे में, बट उसने मेरे को फोन करके बोला है कि ट्रेलर सर आपसे एक बंदा मिलने के लिए आया जो कि एक जगह पर है, स्पीच देने में लगा हुआ है, वो लिबर्टी सिटी काफ़ी खास बंदा है, जा करके देखे कहीं कोई मतलब खास आपके लिए डील तो नहीं है वगैरह वगैरह, जा करके बात कर लीजिए कोई बिजनेस के लिए वगैरह वगैरह। वो तो चाहता है कि मैं उससे कोई बिजनेस डील करूँ जाकर के, बट क्या बता भाई कोई दुश्मन हो मेरा, फिर जाकर उसका मर्डर करना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि डील वगैरह तब दोस्त मतलब लिबर्टी सिटी में कभी होने वाली है नहीं। पहले मैं डील ही करने गया था, बट डील का तो मतलब ही नहीं भाई वहाँ पे डील हमारी सक्सेसफुल हो जाए। चलिए जल्दी से जाकर के देखते हो आखिर कौन लिबर्टी सिटी का बंदा है जो हमारे शहर में आके स्पीच दे रहा है, मेरे को पता नहीं चला। जल्दी ट्रेवर भाई निकलते, कभी ना कभी मतलब इसका मतलब बंदे आना शुरू हो गए हैं और वो कुछ प्लान बना रहे हैं। अपना प्यारा ट्रेवर भाई पहुंच चुका है, चलिए जगह पर, तो यहाँ पर काफी सिक्योरिटी वाले बंदे ये भी देख के सोचते हो क्योंकि ट्रेवर सर अकेले घूमते रहते हैं, नहीं तो भाई आपको पता है प्रेजेंट इतने सिक्योरिटी के साथ में घूमता है, मतलब आगे पीछे 10-15 गाड़ियां, ऊपर हेलीकॉप्टर, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक सिक्योरिटी। बट आपको पता है मेरे बैठ देखो टाइम वेस्ट होता है बहुत बहुत ज्यादा। अब मैं उनके चक्कर में उनकी गाड़ियां बैठ के घूमूंगा ना, बस फिर तो हो गया सारा सारा काम, क्योंकि बंदे इतना कम स्लो गाड़ी चलाते हैं और मैं उनको हर जगह लेके भी नहीं जा सकता। आपको बताया देखो प्रेजेंट वाले जो गार्ड्स होते हैं उनको मैं हर जगह लेके नहीं जा सकता, वो ऑफिशियल गवर्नमेंट के गार्ड है, मैं उनको अपनी प्राइवेट जगह लेके नहीं जा सकता जहाँ मैं बंदों को पिटाई करता हूँ वगैरह वगैरह सारे काम करता हूँ। उनको लेके जाना नहीं होगा ऐसी जगह पर तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं उनको ऐसी जगह पर लेके जाता हूँ जहाँ पर मैं गवर्नमेंट का काम करता हूँ। हेलो जी क्या हाल चाल है? तो ये है बंदा, ये क्या कर रहा है? सीधा आगे स्पीच दे रहा है और यहाँ पे आगे बंदे भाई अपना इसके मतलब बातें सुनने के लिए। हेलो चाचा जी क्या हाल चाल है? कौन हो भाई, क्या आपका नाम है? लिबर्टी सिटी से आप यहाँ पर आए हो? मैंने बंदे से बातें कर रही है, बंदा बोल रहा है कि ड्राइवर सर मैं लिबर्टी सिटी में जाके रहता जरूर हूँ, मैंने वहाँ पे जाके बहुत पैसा बना लिया है, बट मैं लॉस सैंटोस का ही हूँ, रहने वाला लॉस सैंटोस का था, बट काम करने के लिए बिजनेस करने के लिए लिबर्टी सिटी शिफ्ट हो गया था और वहाँ पे जाके इसने बहुत पैसा बनाया, वहाँ पर ये टॉप 3 बिजनेसमैन में आता है भाई, तो ये वाली बात है। अब देखो इसकी बात में कितना दम है वगैरह वगैरह, तो मैं इसको भी वेरीफाई जरूर करूँगा क्योंकि मैं किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता। क्या पता यही मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आया, उन बंदों ने इसको खरीद के यहाँ पे भेजा हो, कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है जी, करिए करिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से जाओ करना करिए। ये बोल रहा है ट्रेवर सर मैंने सुना है लॉस सैंटोस अभी काफ़ी सुधर रहा है, यहाँ पर क्राइम रेट बिल्कुल खत्म हो गया, तो इसलिए मैं यहाँ पर शिफ्ट हो रहा हूँ। थैंक यू, मैं आपको ही बोलूँगा क्योंकि आपने सारे सारा काम करवाया, आप प्रेजिडेंट हो, इतने कमाल के बंदे हो, आपने 10 दिन के अंदर अंदर पूरा क्राइम रेट जीरो करने में आप हो रहे हो। मैंने बोला भाई ट्रेवर का स्वैग ही ऐसा है। तो ये बंदा भाई पहले इसलिए चला गया था लिबर्टी सिटी अगर इसकी बात सच्ची है, क्योंकि यहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा था, इसलिए सोचा यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला, लॉस सैंटोस वाले कभी बाला आती है कभी ग्रीन आती है, हफ्ता लेने के चक्कर में सारा पैसा ले जाते हैं, इसलिए शिफ्ट हो गया था भाई लिबर्टी सिटी ताकि पैसा बना सके। अब इसने देखा यहाँ पर सारे क्राइम रेट खत्म हो गए, कोई हफ्ता नहीं लेगा, तो वापस लॉस सैंटोस में आना चाहता है, अब यहीं पर काम करना चाहता है। बस ये है इसका पूरा मतलब पॉइंट और ये है इसकी पूरी कहानी, कितना दम ऐसी कहानी में बाद में वेरीफाई कर लेंगे। चलिए निकलता हूँ, फिर वहाँ करके टाइम वेस्ट हो गया। फिलहाल भाई अभी मैं जाने वाला हूँ पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक पर, अपनी गाड़ी को फटाफट से घुमाता हूँ और वहीं पे जाकर के आपको मैं दिखाने वाला हूँ अलग अलग जगह की सिक्योरिटी, क्योंकि आपको पता है अभी पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक में बहुत ज़्यादा पैसा है। देखो कैश का इतना नहीं होता, गोल्ड भी होता है, ऊपर से वहाँ पर जो नेटवर्क है उनका सर्वर है जो बैंक का, अगर उसको हैक कर लिया जाए तो पता नहीं फिर कितना ज़्यादा पैसा हैक कर सकते हैं बैंक के सर्वर्स को यूज़ करके, वो बहुत खतरनाक जगह है। वही नहीं, मैंने हर एक लॉस सैंटोस के बैंक पर इतने ज़्यादा गार्ड्स लगवा दिए,
कि रोबरी बंदे करने सोचेंगे ना तो बहुत बुरा पिटने वाले हैं, क्योंकि वो बंदे लॉस एंजेलिस कंगाल बनाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से वो बैंक रोबरी करने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो यही करेंगे मेरे हिसाब से। तो बाकी अगर कुछ और उन्होंने सोचा होगा तो वो भी हम पता लगा लेंगे, बट फिलहाल जितना मैं कर सकता हूँ मैं उतना करवा रहा हूँ। पहुंच गया भाई लोगों जगह पर, मैं पैसे भी स्टैंडर्ड वाली पूरी मेन जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पर मैंने गार्ड्स को लगवाया है। एक तो ये न्यूज़ वाले पिटेंगे भाई मुझसे सच्ची में, अब क्या बोलूं मैं। चलो ठीक है भाई, अभी के फिलहाल रहने देता हूँ, क्योंकि वो वहाँ पर फिलहाल रिकॉर्डिंग चल रही है। अगर मैं वहाँ पर आ गया इस लड़की को उल्टा सीधा बोलते हुए तो बोलेंगे ड्राइवर तो ऐसे ऐसे काम करता है, मतलब ऐसे ऐसे बात करता न्यूज़ वाले बंदों से, अच्छा प्रेजेंट नहीं है वगैरह वगैरह। अच्छा नहीं होगा, मतलब इज्जत खराब हो जाएगी, अभी कुछ नहीं करते। नहीं तो मैं इसको सुनाता बहुत बुरी कि हम तो यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम लोग यहाँ पर करवा कर रहे हो, उल्टी सीधी न्यूज़ बना रहे हो, बात ही खत्म है। तो चलिए फिलहाल भाई आप सिक्योरिटी देख रहे हो कितनी मस्त अरेंज करी है मैंने, ये वाला पूरा रोड ब्लॉक कर दिया, पीछे वाला पूरा रोड ब्लॉक कर दिया, इधर से भी उधर से भी हर एक जगह से। बंदा कोई भी आएगा बहुत पिटेगा, ऊपर स्नाइपर खड़े हुए जैसे कि आप देख रहे हो, मैं आपको बाइनोकुलर ऑन करके दिखाता हूँ। ऊपर से हेलीकॉप्टर से अगर कोई अटैक करने के लिए आएगा तो ऊपर भी बंदे खड़े करके रखे हुए हैं, हर एक जगह पर बंदे हैं भाई। मैंने बहुत अच्छे से अरेंज करवाया है, लिबर्टी सिटी वाले बंदे को आने दो तो रोबरी करने के लिए, उनका तो ऐसा नेता बनेगा, ऐसा नेता बनेगा, बहुत ही बढ़िया। देख रहे हो कितने ज़्यादा पुलिस वाले बंदे हैं, 100-150 से ऊपर ज़्यादा पुलिस वाले बंदे भाई यहाँ पर है, बैंक के अंदर भी है, हर एक जगह पर। इस वक्त ये पूरा बैंक क्लोज कर दिया गया है, छुट्टी है यहाँ पर बैंक की, सीधी सी बात है यहाँ पे जब ऐसी रोबरी की खबर मिलेगी तो छुट्टी रहेगी। फिलहाल मैंने बंदों को सिर्फ ये बताया कि मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है रोबरी होगी, मैंने ये नहीं बताया लिबर्टी सिटी करेगी। मेरे शहर वाले को किसी को नहीं पता भाई, कुछ बंदों को छोड़ के बस मेरे सीक्रेट वाले बंदों को, किसी को नहीं पता कि लिबर्टी सिटी से मेरा पंगा हो गया। अगर पता लग गया तो काम खराब होगा, बात खत्म। इसलिए मैं इसको लीक नहीं करना चाहता, जब तक छुप के रह सकते चीज जब तक रहने दो, बात खत्म, बाकी बाद में देख लेंगे। तो पॉइंट क्या, चलिए फिलहाल अभी मैं दूसरे बैंक पर निकलता हूँ, वहाँ पर आपको सिक्योरिटी दिखाता हूँ कि मैंने वहाँ पे कितने बंदे लगा करके रखे हैं। पैसिफिक बैंक के मैंने आपको सारे सारे बंदे दिखा दिए, चलिए आगे की तरफ निकलता हूँ, मजा आने वाला है भाई। एक बार अटैक करने के लिए आए तो सही, मैं दिखाऊंगा फिर उनको ट्रेवर से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। चलो ट्रेवर ब्रो फटाफट से यहाँ से निकलो जल्दी से, बाकी चीजें बाद में देख लेंगे। आंटी जी दो न्यूज दो। फिलहाल भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, देखो दूसरे वाले बैंक पर, ये वाला बैंक देखो, इस वाले बैंक पर भी मैंने काफी ज्यादा गार्ड्स लगवा करके रखे हुए हैं, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर भी बहुत बहुत ज्यादा बंदे आते रहते हैं सारे सारा काम करने के लिए, तो इसलिए मैं ये बिल्कुल भी यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरे ऑफिसर्स ऐसे ही खड़े रहना, कोई नमूना आए तो खत्म कर देना, क्योंकि कहीं से भी रोबरी नहीं करने दूंगा। लॉस एंजेलिस में आकर के ऐसे ही काम चलाओगे। फिलहाल भाई ये नॉर्मल शहर के बंदे, अंदर बैंक का स्टाफ काम कर रहा है, हमने उनको कुछ नहीं बताया, बस हमने बोला यहाँ पे ज्यादा सिक्योरिटी लगवा रहे, रोबरी वगैरह आम हो गई है, ट्रेवर्सर चाहते हैं रोबरी बिल्कुल ना हो। बंदे तो ये सोच रहे कि मैं क्राइम रेट जीरो कर रहा हूँ, वो भी मैं कर रहा हूँ, बट भाई ये अलग सिक्योरिटी है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा कुछ बिल्डर सीधा काम। चलिए मैं तीसरी जगह पर निकलता हूँ और दिखाता हूँ आपको तीसरी जगह। अबे तेरी खिड़की किसने तोड़ डाली नमूने, कमाल की गाड़ी है, ऐसे कैसे खिड़की टूट गई यार, कमाल होते हैं यहाँ पर भी। अब निकलने वाला हूँ मैं माउंट चिलड की एरिया की तरफ, जहाँ मतलब कि जहाँ पर एक और बैंक है ना। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ अगली जगह पर भी, मेरे प्यारे पुलिस वाले बंदे यहाँ पर भी खड़े हैं। हेलो ऑफिसर्स, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, बैंक की छुट्टी है, बैंक को बंद करवा दिया, इस वाले बैंक को बंद करवा दिया, जो बड़े बैंक से मैंने उनको सभी को बंद करवा दिया, छोटे मोटे बैंक चलते चलने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे बैंक एकदम बंद नहीं करवा सकते। अगर सारे बंद करवा दिए तो बंदे परेशान हो जाएंगे, पैसा कहाँ पर डिपॉजिट करें, निकाले कैसे वगैरह वगैरह, दिक्कत होगी, सारी चीज़ एकदम से नहीं कर सकते। है ना मेरे भाई जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। बंदे से बात हो गई, बंदा बोल रहा है ड्राइवर सर आप बिना सिक्योरिटी के क्यों घूम रहे हो, जब इतना अटैक की खबर मिल के रखे यहाँ वगैरह पे, तो प्लीज़ आप सावधान रहिए, अगर आपको कुछ होगा तो दिक्कत हो जाएगी, आपने तो क्राइम रेट बिल्कुल खत्म ही कर दिया। मैंने बोला भाई मेरी चिंता छोड़ो यार, मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगती है, बंदे मेरी चिंता बहुत करते हैं, बोलते हैं कि ट्रेवर सर गार्ड्स के साथ घूमा करो, कमाल है भाई कमाल है। मैं गार्ड्स के साथ घूमता हूँ ऐसी बात नहीं, बट भाई आज मैंने गार्ड्स को थोड़ा बिजी करके रखा है यहाँ वहाँ पर, और अभी ना मेरे से ज़्यादा सिक्योरिटी शहर की करनी ज़रूरी है। मेरे को कुछ नहीं होने वाला, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट फिलहाल अगर शहर में कुछ होगा तो बेइज्जती होगी, वो एक अलग बात है, और ऊपर से लिबर्टी सिटी पता नहीं क्या क्या कर देगी। तो फिलहाल मुझसे ज़्यादा अभी शहर को जरूरत है मेरे गार्ड्स की। बाकी रही तो मैं कुछ हेलीकॉप्टर वगैरह बंदे को फोन कर देता हूँ कि चलो भाई मेरे साथ भी घूम लो, क्योंकि भाई क्या पता बंदे उल्टा सीधा काम करते सच में मेरे साथ भी, इसलिए मैं रिस्क नहीं लूंगा। मैंने अपने 3 स्क्वाड बुला लिया भाई हेलीकॉप्टर से भर भर कर, अब फिलहाल ये बंदे मेरे को नजर रखेंगे, मतलब मेरे ऊपर, और मेरे को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। अगर कुछ भी इनको लगता है कि ट्रेवर सर के ऊपर खतरा है तो खत्म कर दिया जाएगा बंदों को। वैसे हेलीकॉप्टर वाली स्क्वाड मैंने आपको पहले बोला ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, ऐसा रॉकेट मारती है ऊपर से बैठ करके, इतना ज्यादा काम गाड़ी वाले बंदे नहीं करते जितना काम ये सारे के सारे बंदे करते हैं। और एक अच्छी बात ये भाई, इनके साथ मेरे को घूमना भी नहीं पड़ता, ये मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आई, क्योंकि ना तो ये मेरी स्पीड से कोई दिक्कत इनको, ये आराम से भगाते रहते हैं, मैं तो आराम से अपनी स्पीड से निकलता हूँ, नहीं तो गाड़ी वाले बंदों के साथ आराम से चलना पड़ता है, बहुत सो काम पड़ते हैं। चलिए खैर इनको छोड़िए, फोन करता हूँ फटाफट से अपने सीक्रेट सर्विस वाले बंदों को, क्योंकि उनका मेरे पास मिस कॉल आए थे थोड़ी देर पहले, मैं उठा नहीं पाया था। मैंने अपने सीक्रेट सर्विस वाले बंदों से बातें कर ली है, बंदे बोल रहे हैं ड्राइवर सर मुझे लगता नहीं है कि बैंक वगैरह में रोबरी होने वाली है, हम लोग गलत एंगल देख रहे हैं, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, शायद से हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए फटाफट से आप लॉस वाले कुछ बंदों के पास पहुंचे जो रोन की फैक्ट्री पर है, वो आपको ज़रूर सारी बात बताएंगे। उन दो पहले वाले लॉस वाले बंदों को शायद से नहीं पता था, या उन्होंने जैसे भी आपको बोला सच बात है,
बट फिलहाल आप इनकी बात डागर के एक बार और सुनिए, इनको पीटिए, पता कीजिए, ये जरूर जानते हैं प्लान के बारे में। तो चलिए भाई इनसे जाकर के पता कर लेता हूँ। इसका मतलब लॉस्ट गैंग पूरी बिक गई है भाई, उनको डर ही नहीं है मेरा, कमाल है। पहले तो वो बंदों ने हाँ बोली, खैर उन्होंने कुछ करा नहीं, अलग बात है, और अब क्यों और ये बंदे मिल गए। निकलता हूँ जगह पर, पहुँचने वाला हूँ भाई मैं लॉस्ट वालों की जगह पर। बस थोड़ा सा टाइम लगा रही है मेरी गाड़ी, प्यारी प्यारी आपको बताया, इसका पिकअप थोड़ा कमज़ोर है। मेरे हेलीकॉप्टर वाले बंदे मेरे साथ चले जा रहे हैं, सामने की तरफ ही बस एक दो रोड को क्रॉस करके रोन की फैक्ट्री पड़ने वाली है। अब आएगा असली मजा, मेरी प्यारी प्यारी गाड़ी, बस इतना ज्यादा मत फिसलो क्योंकि अभी बहुत काम करने हैं हम लोगों को, मजा ही आ जाएगा भाई सच्ची में। इनको तो बहुत पीटूंगा, अब तो जाते से तो एक्शन होने वाला है, उसके बाद बंदों से पूछूंगा क्योंकि इन बंदों को मैं नहीं छोड़ने वाला, ये बंदे बड़े सिद्धि बंदे हैं। चलो चलो जल्दी से, पहले पिछली बार तो मैंने पुलिस की रेड लगवाई थी, अब की बार इतना टाइम नहीं है भाई, अब की बार तो सीधा एक्शन होगा, अगर वो बंदों ने मारा तो मैं ही मारूंगा। तो चलिए फिलहाल लो भाई हम लोग पहुंच ही गए फाइनली, एक मिनट में बस पहुंच जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे हेलीकॉप्टर वाले बंदो आ रहे हो ना, बढ़िया भाई बहुत ही बढ़िया। अरे यार एक तो सच्ची में गाड़ी इतना ज़्यादा स्लिप करती है, क्या बोलूँ मैं इस गाड़ी का, इतना ज़्यादा स्लिप कोई करती है क्या, सच्ची में कमाल ही है वैसे गाड़ी। अब क्या करें यार, देखो मेरे को बड़ी पसंद है कार, इसलिए मैं इसको चलाता हूँ, क्योंकि स्लिप करती है अलग बात है, बट आपको बताया इसका जो वेपन सिस्टम है ना, ऐसा मतलब भाई पूरे लॉस सैंटोस में कोई गाड़ी नहीं जिसके अंदर ऐसा वेपन सिस्टम हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, वो टैंक भी क्यों ना हो, टैंक के अंदर भी ऐसा सिस्टम नहीं है भाई बंदों खत्म करने का जैसे इसके अंदर है। अब आएगा असली मजा, मेरी प्यारी प्यारी आर्मी जरा बंदों को नेता बनाने के लिए तैयार। सबसे पहले मैं आगे की तरफ जा करके चेक करता हूँ कि बंदे प्रेजेंट के ऊपर अटैक करेंगे या नहीं करेंगे, वो सिंपल तरीके से अभी पता चल जाएगा। मैं स्नाइपर निकालता हूँ, जानबूझ के बंदों को मारने की कोशिश करता हूँ, अगर बंदों ने मेरे को देखा और मेरे ऊपर रिटर्न अटैक किया तो मतलब बेकार बंदे हैं, अगर मेरे को नहीं मारा तो मतलब सही बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बात मान जाएंगे। हेलो भाई जी, अरे भाई गन पॉइंट करते हैं, बंदे ने गोली चलाई, मार 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 फटाफट से मार इन नमूनों को, किसी का मत छोड़ना। यार मेरे हेलीकॉप्टर वाले अच्छे बंदे मेरे साथ में आए हैं, क्या कमाल के बंदे हैं। अबे तुम लोगों ने सोचा कैसे, तुम प्रेजेंट को मार दोगे, ये सोचा कि अकेला खड़ा है ड्राइवर, तो ये ऊपर मेरे फूफा जो घूम रहे हेलीकॉप्टर वाले बंदे, ये कुछ है ही नहीं तुम्हारे लिए, इतना पिटोगे नाम भूल जाओगे, समझ में आया ना, सेड प्लस आर्मिया ऊपर ऐसे मारेगी नाम भुला देगी। सच्ची में यार बंदे मानते नहीं, तू कहाँ जा रहा है बेटे, कहाँ जा रहा है, पैर में लग गई कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिलहाल भाई सभी बंदों को खत्म करना ही पड़ेगा यार, अभी देखो मैंने सोचा था कि मैं इनको मार लूंगा, नहीं बातें कर लूँगा, क्या बताया इन्होंने भी पिछले वाले बंदों की तरह ही सारा काम किया, मतलब इन्होंने बातें सुन ली सिर्फ और मेरे को मारना ना सोचा हो, बट ये बंदे तो भाई अटैक भी कर रहे हैं मेरे ऊपर, इसलिए ये अलग बंदे हैं और वो अलग बंदे हैं। अबे टकलू कहाँ जा रहा है, मुझे मारेगा, इतना दम आ गया। अरे यार अरे लड़की जी, लड़की और घुसा मारेगी, बट पैर में गोली मारूंगा, तो सॉरी बट आपको मारना जरूर पड़ेगा क्योंकि आप जीतती हो, और अगर आपको नहीं मारा तो मेरे ऊपर रिटर्न गोली चलाएगी, बट मैंने उसको जान से नहीं मारा क्योंकि लड़की यार कोई बात नहीं छोड़ देते हैं, फिलहाल पैर में इसके भी गोली मारूंगा। यहाँ पर गैंग क्यों ज्वाइन करती हो, क्यों ज्वाइन करती हो जब नहीं लड़ा जाता फ्री में। ये ना लॉस्ट वाले बंदे ये भाई जो अपनी गैंग में मतलब कि 90% तो नहीं बोलूंगा, मतलब ऐसा है कि 30 और 70% लड़के होते हैं और 30% इनकी गैंग में लड़कियां होती है, पता नहीं क्यों ऐसे लेते हैं बेचारियों को, फिर ये मेरे को मारना पड़ता है। बस मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई इनकी अपनी मर्जी है, ये कुछ भी बन सकती है, गैंगस्टर बनना बहुत बुरी चीज़ है, बट पॉइंट क्या है, मेरे को ये बिल्कुल अच्छा लगता है कि मैं लड़कियों को मारूं फ्री में गोली वगैरह, ये फ्री आती है ट्रेवर के सामने और पिट करके जाती है। चलिए खैर छोड़िए, काम खत्म हो चुका है। हेलो भाई आराम से, शांति शांति। चलिए जल्दी से अब पता करता हूँ भाई हमारे प्यार चार्जर से, लगता है बाहर अभी कोई बंदा बचा हुआ है, तो देखता हूँ कौन सा लॉस वाला नमूना मेरे को सारी बातें बताएगा, पता करता हूँ हर एक चीज़ और देखते हैं क्या इनका प्लान है, क्या क्या इन्होंने काम किया है बिक करके वगैरह वगैरह। प्यारी आंटी ही काम आ गई भाई, आज तो बेचारी बेहोश हो गई है, मरी नहीं है जो यहाँ पर पड़ी हुई है, बेहोश होते होते बहुत सारी काम की बातें बता गई है। नमूने इसको एडमिट करवा दो हॉस्पिटल में, और जितने भी सब बंदे पे जिंदा है 2-4 को देख लो एडमिट करवा के, फिर उनको जेल में शिफ्ट करवा देंगे। देखो भाई जिन्होंने क्राइम किया उसकी सजा तो मिलेगी, बट उनकी जान बचवा देते हैं, तो देख लो यार जहाँ पर मतलब यहाँ पर जितने भी बंदे जिंदा है ना सभी को हॉस्पिटल में एडमिट करो, और उसके बाद में उनको कोर्ट में पेश करवा देना। मैं निकलता हूँ फिलहाल, चलिए अपनी गार्ड्स को मैं नहीं लेके जाऊँगा, इन्होंने बोला है कि एक जगह जाना है, मैं आपको बाकी बातें वहीं पे चल के बताऊंगा जल्दी। मैं पहुंच चुका हूँ जगह पर, फिलहाल मैं अपने गार्ड्स को लेकर के नहीं आया क्योंकि वही अपना काम कर रहे हैं, आपको बताया लॉस वालों को हॉस्पिटल पहुँचा रहे हैं वगैरह वगैरह। फिलहाल यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बंदों को भिजवा दिया, और जैसा उस लड़की ने बोला था ना इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है भाई, अमेजिंग काम किया तुम लोगों ने भाई। ओके आंटी भी यहाँ पर आई है, ये आंटी भाई आपको बताया काफ़ी चीज़ें देखती रहती है, तो शायद से इन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने का कुछ प्लान सोचा होगा। आपको याद है इन्होंने एक जगह में बोल दी थी कि हम लोग मिलिट्री का हेडक्वार्टर बनाएंगे वहाँ पे ट्रेवर सर, ये प्लानिंग बताती है कि शहर में क्या क्या चीज़ पे कहाँ पे क्या बननी चाहिए गवर्नमेंट की चीज़ें, ये अच्छे से गाइड करती है एडवाइजर एक तरीके गवर्नमेंट की। तो चलिए मैं ऊपर निकलता हूँ, जैसा इन्फॉर्मेशन थी बिल्कुल सच्ची बात है, इन्फॉर्मेशन पता है क्या थी, लिबर्टी सिटी के बंदे 2 दिन से यहाँ पर रह रहे थे भाई, मेरे को पता भी नहीं चला, और यहाँ पर बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, सीक्रेट प्लानिंग। लॉस्ट वाले बंदों को सिर्फ ये पता था कि यहाँ पे कुछ प्लानिंग चल रही है, उनको प्लानिंग बताई नहीं गई थी अभी तक। तो लड़की ने बोला कि ट्रेवर सर हमें ये तो नहीं पता था प्लानिंग बंदे क्या कर रहे हैं, बट हमने एक बार यहाँ पर जाके देखा था और कुछ पैसे लिए थे,
बट हमें कुछ बातें नहीं बताई थी, बट आपको अगर कुछ जानना है तो आप सीधा प्लानिंग एरिया पर पहुंचिए। तो भाई इसका मतलब लिबर्टी सिटी के बंदे इस बंदे मतलब इस बिल्डिंग में थे जो कंस्ट्रक्शन का जहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे चुपचाप रह रहे थे छुपके से, ताकि किसी को पता न चले। और सीधी सी बात है भाई, कौन यहाँ पर आने वाला है, यहाँ पे तो काम चलता रहता है। बंदों को धमका मतलब कि डरा दिया होगा और बोला होगा, धमकी दिया करेगा कि अगर बेटा बताया किसी को तो जान से मार देंगे। यहाँ के स्टाफ ने कुछ नहीं बताया किसी को, और दो दिन से यहाँ पे देखो ऊपर ब्लैक बोर्ड और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगा करके प्लानिंग कर रहे हैं। सही है भाई साहब, तो चलिए अब ज़रा हम समझ लेते हैं भाई इस प्लानिंग को, ज़रा आप समझ सकते हो क्या? एक सेकंड में बाइनोकुलर ऑन करके चेक कर लेता हूँ। तो ठीक है भाई, यहाँ पे गार्ड्स है, स्कोप, कैमराज, वोल्ट, ड्रिल, बैंक लूटने का ही प्लान लग रहा है भाई मेरे को। एक्सप्लोजिव्स लगाने हैं, फिर गन यहाँ से, कोर वगैरह, क्रू वगैरह, गाड़ियाँ, ब्लेजर, ड्रोन, भाई क्या है ये? मतलब कि ये तो देखो समझ तो बिल्कुल नहीं आ रहा, सही बता रहा हूँ मैं। बस उन्हें ऐसे खिचड़ी बना के रखी है कि स्कोर यहाँ पे लिख दिया, स्कोप वहाँ पे लिख दिया, गार्ड्स ऐसे, कैमराज ऐसे, डिसगाइज ऐसे, ड्रिल यहाँ पे चलानी है। मतलब इतनी खिचड़ी बनाई है, ये समझना बहुत मुश्किल है कि कौन से बंदे कहाँ से जाएंगे, क्या लेज़र करेंगे, कहाँ ड्रोन छोड़ेंगे, कैसे अटैक करेंगे, कोई भी आइडिया ठीक से नहीं लग पा रहा। खिचड़ी बना के रखी है और नीचे ब्लूप्रिंट जो बनाया है भाई पता नहीं किस चीज़ का है, मैं समझ ये भी नहीं पा रहा। ओके यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर काफ़ी फोटोज़ है। ये बिल्डिंग जो है ना भाई, ओके ये अपना सिटी हॉल तो नहीं है, ये अलग ही बिल्डिंग है यार। तीन चार जगहों की बिल्डिंग है। अरे ये वाली बिल्डिंग भाई, ये मेज बैंक बिल्डिंग है, मतलब कि अपने पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक की दूसरी ब्रांच है ये मेज बैंक बिल्डिंग, जो एक और नया बैंक का आपको याद है काफ़ी टाइम पहले मैं यहाँ पर गया था, सीक्रेट बैंक है जहाँ पे जनरल गया था एक बार, पुरानी बात हो गई है, ये वो वाला बैंक है। इसको लूटने का प्लान है शायद से, और मैंने यहाँ पे गार्ड से नहीं लगवाए, हो सकता है भाई। चलिए इसके ऊपर नज़र रखवाता हूँ, और यहाँ पे कहाँ कहाँ पर बंदों ने फोटोज लगा के रखे हुए हैं, मेरे को सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। ऑफिसर्स इस जगह पूरा का पूरा छान निकालो, हर एक जगह में चेक करनी है कहाँ पे क्या चल रहा है। फिलहाल मैंने भाई कुछ प्लानिंग तो इनकी समझने की कोशिश करी है। फिलहाल इस सीन को देख के मेरे को भाई अपना मनी हाइस्ट याद आ गया, प्रोफेसर वाला काम, जैसे बैठ के बंदों को सिखाया जाता है ना ऐसे करना सारे काम, वही वाला काम कर रहे लिबर्टी सिटी वाले बंदे, तसल्ली से बैठ के प्लानिंग बना रहे आराम से लूटेंगे ट्रेवर के शहर को, इनको तो मैं नहीं था बनाऊंगा। ओके ठीक है भाइयों, यहाँ पे जो भी सबूत है सब इकट्ठा करके लेकर के चलो चेक कराओ एक्सपर्ट से, और पता करो क्या प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। लॉस सैंटोस में कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं था बनाऊंगा। तो ठीक है चलिए भाई यहाँ से निकलते हैं, जो होगा देखी जाएगी। फिलहाल यहाँ का काम खत्म हो चुका है, मेरे बंदे अभी सीक्रेट सर्विस वाले बंदे मेरे को फोन करने वाले थोड़ी देर में, उनको ना मैंने एक चीज़ पता करने के लिए बोला था। देखो कोई सी भी जो गैंग होती है ना, बिना हैकर वाले बंदों के वो काम नहीं कर सकते ठीक से, तो मैंने उनको ये बोला है कि तुम लोग एक काम करो, चेक करो उन बंदों को, लिबर्टी सिटी वाले बंदों को, हैकर भी है शहर में, क्या पता हो और उनके है और उनकी वजह से सारा काम चल रहा हो, पता लग जाएगा, वेट करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों का भाई फोन आ चुका है अमेजिंग तरीके से, 9 बज चुके और जल्दी से निकलता हूँ, हैकर बेस मिल गया। मेरा आइडिया बिल्कुल ठीक था भाई, सच्ची में हैकर बेस है जो कुछ बंदे उनकी हेल्प कर रहे हैं। जल्दी से जाकर तुम सभी हैकर्स को दिया करता हूँ, जान से मार दो ताकि फिर उनको हैकिंग का सपोर्ट मिलना बंद हो जाए। जल्दी निकलता हूँ जल्दी से। मैं प्यारे से हैकर बेस पर पहुंच चुका हूँ, ये है भाई हैकर बेस, बड़ा हल्का खंबा था, मतलब कमजोर था, ऐसे गिर पड़ा, कमाल है। तो चलिए अंदर निकलता हूँ, यही है मेन जगह। चलिए ट्रेवर ब्रो अंदर निकलिए, मैं अंदर की तरफ पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ पर एक सेकंड भाई, वॉल है इस टाइप का, भी इसमें पहले भी देख चुका हूँ, इसका तो वॉल नहीं है भाई, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सीक्रेट रास्ता है। ट्रेवर जरा चेक कर कौन सा मेन रास्ता है, ये रहा मेन रास्ता। गोली भी चला दी मेरे को देखते कि ट्रेवर यहाँ पर आ चुका है, और सारे सारे बंदे बाला वाले लग रहे हैं भाई, मेरे को ऐसा लगा शायद से इतना मारूंगा नमूनो, हैकिंग चल रही है यहाँ पे, तुम्हारे सारे कंप्यूटर दी एंड कर दूंगा, ये बैठे हैकिंग करोगे ऐसे ऐसे काम चल रहे भाई यहाँ पर। तो चलिए फाइनली मैंने हैकर्स का भी दी एंड कर दिया, इस तरफ का कंप्यूटर भी मैंने खत्म कर दिया, बहुत ही बढ़िया, कोई कंप्यूटर सही नहीं रहेगा भाई। तो चलिए हैकिंग का सपोर्ट मैंने दी एंड कर दिया बंदों का, अब इनको उठा करके पता करता हूँ कि आखिर क्या क्या प्लान है, तुमने क्या क्या बोला था हैक करने के लिए, कि तुम लोग मेरा फोन भी हैक कर रहे थे, क्या चीजें कर रहे थे, पता लग जाएगा। जो करना था वो तो कर दिया ट्रेवर, तू लेट हो गया मेरे भाई, तू लेट हो गया। पता है इस वक्त लॉस सैंटोस बर्बाद हो चुका है, तू बेचारा बेवकूफ बन के रह गया। अबे तूने कैसे सोचा कि लिबर्टी सिटी ऐसी चिन्नी चोरी करेंगे, बैंक में जाएंगे यहाँ वहां पर जाएंगे, हम कोई कैश नहीं लूटने वाले थे ट्रेवर, तेरे पास थोड़ी देर में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और तू सारी चीज समझ जाएगा कि हम क्या चुराने वाले थे। इस वक्त ऐसी चीजें चुराएंगे कि ट्रेवर तू बर्बाद हो जाएगा, तू नहीं पूरा लॉस सैंटोस भिखारी बनने वाला है सिर्फ कुछ ही देर में। बेचारा बैंक में लगवाता है गार्ड्स, तेरे ऊपर हंसी आती है मेरे को ट्रेवर, इतनी छोटी चीजें कौन सोच सकता है। अबे 2-4 मिलियन चुराने से लॉस सैंटोस गरीब नहीं होगा, हमें पूरा लॉस सैंटोस ही चुराना है ड्राइवर, पूरा लॉस सैंटोस। बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा है भाई, मुझे लगता है मैंने कुछ जल्दी जल्दी में कुछ गड़बड़ कर दी है। इसका मतलब बैंक रोबरी पे, मतलब कि बैंक में रोबरी नहीं होने वाली और बाकी और जगह पर रोबरी नहीं होने वाली, तो इस बंदे ने मेरे को ये तो नहीं बताया एग्जैक्ट, और ये बता भी नहीं रहा था, तो मेरे को खुद ही पता करना पड़ेगा आखिर कहाँ पर क्या ड्रामा चल रहा है।
तो बैंक में रोबरी नहीं होगी, ना अपने ज्वेलरी स्टोर पर, ना कहीं और, ना कहीं और, ना वगैरह वगैरह, तो फिर कहाँ पर रोबरी होगी यार? कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और तो शहर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से पैसा मिल सकता है। सोच ट्रेवर, सोच कुछ तो सोच भाई, क्या बंदे करना चाह रहे हैं? मेरे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अपने सीक्रेट सर्विस वाले बंदे को बोलता हूँ कि नमूनो यार, बैंक वगैरह पर टाइम वेस्ट किया हम लोगों ने, कुछ और ही काम होने वाला है। बैंक पर रोबरी नहीं होगी, पता नहीं क्या करने वाले हैं ये। मेरे पास फ़ोन आया भाई, फटाफट से निकलना पड़ेगा मिलिट्री बेस। बंदे बोल रहे ड्राइवर सर फटाफट से आइए मिलिट्री बेस के ऊपर, बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक हो चुका है, आप देखिए जल्दी से आकर के चेक कीजिए यहाँ पे क्या चल रहा है, आप ऑर्डर्स दीजिए क्या करना है, गैंग के ऊपर अटैक करें नहीं करें। फिलहाल भाई मेरे को बुला रहे हैं तो उनको ऑर्डर्स चाहिए मेरे, मैं प्रेजेंट हूँ, सीधी सी बात है मेरे बिना कोई काम नहीं होने वाला। तो बंदे बोल रहे हैं कि बताइए क्या करें, किसको अरेस्ट करें, किसके ऊपर आपको शक है? मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक हुआ है, लिबर्टी सिटी वालों ने किया है क्या यार? वो मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक क्यों करेंगे? मिलिट्री बेस में तो ऐसा कोई सामान भी नहीं है वगैरह वगैरह, वहाँ पे कोई कैश नहीं है, कोई पैसा नहीं है, अगर वहाँ पे चोरी करेंगे भी तो वहाँ पे कद्दू हाथ नहीं लगेगा उनके। पहुँच चुका भाई अपने प्यारे प्यारे से मिलिट्री बेस पर। चलिए रात का टाइम मेरे को, अरे भाई एक सेकंड, टावर पर आग लग के रखी है और शायद से ऐसा लगता है प्लेन घुसा दिया टावर में, गड़बड़ वाला काम है। मैं लगता है मेरे को भाई मेरी सिक्योरिटी बुलानी चाहिए, मेरे को शायद से अपनी जेड प्लस आर्मी को कॉल करना चाहिए। चलिए एक सेकंड पहले मैं चेक कर लेता हूँ, अभी चल क्या रहा है, बहुत बुरा चल रहा है यार, कुछ तो गड़बड़े हो गए, इधर भी प्लेन पड़े हुए, यहाँ पर भी प्लेन पड़े, बहुत बड़ा अटैक किया मिलिट्री बेस वाले के ऊपर, क्या चल रहा है भाई? हेलो ऑफिसर्स, क्या दिक्कत चल रही है मेरे को जरा बताओ, सामने और भी बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक चल रहा है यार, क्या बदतमीजी चल रही है? कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर, ये प्लेन ख़राब है, ये चीज़ें अटैक होके रखी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, एक तो भाई ये आग होके रखी है, मेरे को देख भी नहीं आ रहा ठीक से, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा बंदे यहाँ पर सामने खड़े जैसे मैं देख पा रहा हूँ, कुछ तो चल रहा है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, अपनी गाड़ी को यहाँ पर खड़ी कर, गाड़ी को यहाँ पर खड़ी कर, चेक कर जल्दी से। हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है, जरा मेरे को बताओगे सारी बातें, क्या ड्रामा चल रहा है? तुम लोगों ने मेरे को बुलाया था यहाँ पर रात में, बेटा मेरे को सारी बातें समझाओ, एक प्लेन यहाँ पर क्रैश होकर के रखा हुआ है, जल्दी से पता करता हूँ भाई इस ऑफिसर से, इतना अंधेरा है यहाँ पर। मैंने बंदे से सारी सारी बातें कर ली है, मास्टर स्ट्रोक भाई, क्या मस्त प्लान बनाया बंदों ने। मिलिट्री का टॉप सीक्रेट लैपटॉप चोरी हो चुका है, जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। बंदों ने बोला कि ट्रेवर सर बस हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो आर्मी यूज़ करती है, आर्मी सारे काम करती है, बट यहाँ पर अटैक किया कुछ बंदों ने और हमें बड़ा डिस्टर्ब किया, और यहाँ पर क्या काम किया बंदों ने, फिर टावर पर घुसे और ऊपर से हमारा सीक्रेट लैपटॉप चुरा के ले गए ट्रेवर सर। उस लैपटॉप की कीमत ज़्यादा नहीं है, उस लैपटॉप के अंदर भाई जो सॉफ्टवेयर है मिलिट्री के, जो आर्मी ने स्पेशली अपने बना करके रखे हैं, उन सॉफ्टवेयर में इतना दम है कि वो पूरे लॉस सैंटोस के जितने भी अकाउंट्स हैं ना, बैंक है, जितने भी सारी चीज़ें हैं, उन सभी का पैसा एक क्लिक में ट्रांसफर करके किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब समझ रहे हो, एक सेकंड में पूरे लॉस सैंटोस को भिखारी बनाया जा सकता है उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। सभी के जितने भी बैंक अकाउंट है भाई लॉस सैंटोस में, हर एक बंदे के सबके पैसे जीरो हो जाएंगे एकदम। और सीधी सी बात है, हर एक बंदे के पैसे बैंक में ही होते हैं भाई, आजकल तो सब बैंक में पैसा रखते हैं, कैश में कम रखते हैं, तो सीधी सी बात है पूरे लॉस सैंटोस का बैंक अकाउंट सबका खाली, सबके में जीरो पैसे, तो लॉस सैंटोस भिखारी बन जाएगा। अबे नमूनो, ये क्या करा दिया तुम लोगों ने? कौन आए थे बंदे, कहाँ पर निकले, मेरे को सारी सारी बातें बताओ, मैं उनको पकड़ूंगा, लैपटॉप मैं लेकर के आऊँगा, ये बात तुम मेरे को पहले नहीं बता सकते थे, मैं प्रेजेंट है तुम्हारा नमूनो, मेरे को पता होनी चाहिए भाई इस चीज़ के बारे में, मेरे को पता ही नहीं था लैपटॉप के बारे में। खैर भाई कुछ चीज़ सीक्रेट होती है और आर्मी ने सोचा कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बट बड़ी चीज़ तो बन गई ना, चोरी हो गई चीज़। कौन थे बंदे, कैसे आए थे, कहाँ पर निकले, हर चीज़ बता मेरे को डिटेल में। बंदे से बातें हो गई है, फाइटर प्लेन मंगाता हूँ जल्दी से, मेरे को निकलना पड़ेगा इस तरफ से भाई, बहुत ज़्यादा फाइटर प्लेन निकले हैं। कुछ बंदों ने तो प्लेन अटैक किया, नॉर्मल प्लेन ला के मिलिट्री बेस में घुसा डाला, कुछ बंदे पैराशूट से आए, लैपटॉप चुराए और दोबारा अपने प्लेन से बैठे, फाइटर प्लेन में आए थे वो सारे बंदे और निकल गए तुरंत, इधर से निकले बोल रहे ड्राइवर सर, मुश्किल से 5-7 मिनट हुए सभी को जाए हुए, पकड़ सकते हो तो पकड़ लीजिए, वैसे हमने भी अपनी आर्मी भेज के रखी है उनको मारने के लिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं पकड़ता हूँ बंदों को जल्दी से, मैं पकड़ता हूँ, थोड़ा टाइम लगने वाला है, जल्दी ड्राइवर अपना भाई बुलाता हूँ, प्लेन बुलाता हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरी आर्मी मेरे काम नहीं आएगी, क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर से फॉलो करूँगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, मैं खुद जाऊँगा टाइम बचेगा, जल्दी से अपना फाइटर प्लेन बुलाता हूँ हाइड्रा वाला, मजा आएगा। फाइनली भाई मैं बंदों को पकड़ने वाला हूँ, मैं बहुत देर से चले जा रहा हूँ अपने फाइटर प्लेन को लेकर के, और फाइनली मेरे को बंदे दिख चुके हैं, इनका नेता बनाऊंगा, ऐसा इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। लॉस सैंटोस में आएंगे, मिसाइल निकाल फटाफट से। चलिए भाई नीचे की तरफ पहुंच चुका हूँ, मतलब कि मैं आगे तरफ जा रहा हूँ, चल 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 भाई प्लेन निकल निकल भाई, वैसे काफ़ी अच्छी स्पीड में जा रहे हैं हम लोग, 270 जैसे आप देख रहे हो, 300 पहुंचने वाला हूँ, देखो भाई इससे ज़्यादा इसमें स्पीड होती नहीं है, अभी अपनी टॉप स्पीड पर जा रहा है मेरा प्यारा भाई, चल चल चल, वैसे मैं पकड़ लूँगा मेरे को पूरा भरोसा है, एक बार रॉकेट लॉन्च हो जाए, ओके भाई बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी मेरी प्यारी प्यारी मिसाइल फटाफट से ऑटो लॉक होते रहेंगे और मैं फटाफट से फायर करता रहूँगा सभी के ऊपर, जल्दी जल्दी मेरे को थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा अपने प्लेन को, ऊपर ले ले बस, नीचे ले ले अभी जल्दी से फटाफट से, सभी को खत्म कर, सभी को खत्म कर, अभी मेरे को स्पीड हल्की करनी पड़ेगी, मतलब कमज़ोर करनी पड़ेगी, सारा काम आराम से हो जाएगा, जल्दी 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 मेरी प्यारे प्यारे प्लेन
आराम से इंजन बंद मत कर, इंजन बंद मत कर। मैं कुछ ज़्यादा आगे निकल चुका हूँ, मेरे को घूमना पड़ेगा थोड़ा सा। जल्दी 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 मेरी प्यारी प्यारी मिसाइल होटल रोक कर, इधर होटल रोक कर। देखो मैं इन सभी को ख़त्म पता क्यों कर रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हो मैं लैपटॉप बचा रहा हूँ, लैपटॉप मेरे को वापस लेना चाहिए, लैपटॉप इसको ख़त्म हो जाने तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव वाले तो बोल रहे थे वापस गया हूँ, बट मैं उसको ख़त्म कर रहा हूँ। पता भाई क्यों ख़त्म करना बेस्ट रहेगा? अगर मान लो 1% इसको लेकर के निकल गए तो नुकसान हो जाएगा, बट अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो नो स्टेटस बच जाएगा, दोबारा लैपटॉप बनाया जा सकता है, दोबारा सॉफ्टवेयर बन जाएंगे। बट अगर 1% सारा माल चला गया दुश्मन के हाथ में, वो कहाँ से वापस लेकर जाऊँगा? वो लाना इम्पॉसिबल हो जाएगा मेरे लिए, और मैं कभी भी फिर उसकी रिकवरिंग नहीं कर पाऊँगा और मेरा लॉस सेंटोस बर्बाद हो जाएगा। सॉफ्टवेयर वगैरह जाते जाने दो, कोई बात नहीं बाद में बन जाएंगे, इसलिए रिस्क नहीं ले सकता बिल्कुल भी। चलो मेरे प्यारे प्यारे फाइटर प्लेन दोबारा से, यार यार इतना आगे निकल गए बंदे, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आराम से पकड़ लूँगा और अब की बार जल्दी से उनको ख़त्म कर दूँगा। फिलहाल यार मेरे को लगता है बंदे काफ़ी ज़्यादा बुलेट प्रूफ टाइप का लग रहा है मेरे को उनका प्लेन। मैंने कुछ बंदों को मारा भी था बट इतना ज़्यादा असर हुआ नहीं है, और ऊपर से काफ़ी दूर से रॉकेट लॉन्च भी नहीं हो पा रहा, मतलब कि ऑटोमेटिक ये कि बंदों को टारगेट में नहीं ले रहा, तो इसलिए थोड़ा रुक रुक के ही काम करना पड़ेगा। चलिए मेरे प्यारे प्यारे मिसाइल छूट जा कहीं ना कहीं तो लॉक हो जा। अब की बार मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं जाऊँगा, जब ये टारगेट को लॉक करना शुरू कर देगा तो मैं पीछे रुक जाऊँगा थोड़ा सा। चल 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 चल, वैसे मेरे को अपनी आर्मी बुलानी चाहिए बट कोई फ़ायदा नहीं, आर्मी को यहाँ पे आने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं रिस्क नहीं लूँगा। ओके भाई फिलहाल ये बंदा गया गया बेटे, अब की बार तो गया, अब की बार नहीं बचने वाला, तू जा रहा है, तू जा रहे बांडिया तू जा रहे। अरे भाई कुछ नहीं हो रहा यार, अभी बोलो इस प्लेन में कुछ नहीं हो रहा, बुलेट प्रूफ प्लेन से ये नमूनों का सरदार नहीं भाई, हो रहा है अगर पास से मारोगे तो हो रहा है, मैंने देख लिया पास से मारोगे तो होता है, अमेजिंग भाई अमेजिंग। चल मेरे प्लेन रुक जा ब्रो रुक जा, अबे नीचे मत गिर, मैं सच में मरने वाले काम मत कर। तो चलिए भाई फिलहाल थोड़ा सा मेरे को और वेट करना पड़ेगा, बहुत पूरा सिस्टम फंस गया, मैं इनसे तेज़ चले जा रहा हूँ और ये बंदों को प्लेन, वैसे भाई मेरे को थोड़ा टाइम लगने वाला है, बहुत सारे प्लेन काफी तक पहले भाई ख़त्म कर दिए, बस थोड़े से प्लेन ही बचे हुए हैं, जल्दी इनका भी दी एंड होने वाला है। चलो चलो मेरे प्यारे प्यारे प्लेन ख़त्म हो जा बेटे, ख़त्म हो जा, कहाँ तक जाएगा ड्राइवर के वार से, फिलहाल देखो थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके फाइनली एक सेकंड, मेरे को बस समझ नहीं आई भाई, सभी के सभी प्लेन एकदम से नीचे कैसे गिरे, ये कोई प्लेन तो नहीं है, मैं इनको ब्लास्ट कर रहा हूँ सच्ची बात है, बट ये तब से नहीं गिरे थे बट ये अब गिरे भाई ऑटोमेटिक आ गए कहीं इनके ऊपर। भाई इनको पास फोन तो नहीं आया कि ड्राइवर तो मैं सभी को ख़त्म कर देगा, इससे पहले ख़त्म कर रहा हूँ, पूछ जाओ इनके पास इंस्ट्रक्शन आई है भाई लगता है शायद से, क्योंकि मैंने इनके कुछ प्लेन तो ख़त्म कर दिए, मैंने 4-5 प्लेन ब्लास्ट कर दिए और अब बाकी के प्लेन सीधा पानी में, नीचे जाता हूँ मैं भी नीचे जाता हूँ भाई, क्योंकि देखो जाना मेरे को पड़ेगा। मेरे प्यारे प्यारे प्लेन जी एक काम करो, पानी पे लैंडिंग करो, कितनी अजीब चीज़ होती है ना पानी पे लैंडिंग, वैसे मज़ा नहीं आने वाला, प्लेन अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं मेरे को तो मेरे बंदे आकर के ले जाएंगे, क्योंकि मेरे को इस वक्त ज़रूरत है पानी में जाने की। बस मेरे को चेक करना पड़ेगा भाई ये प्लेन कूदे क्यों, लैपटॉप लेके कहीं और से भागना चाह रहे हैं, कहीं नीचे सबमरीन वगैरह तो नहीं है? चल 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 ट्रेवर चेक कर, सामने की तरफ काफ़ी चीज़ें हैं, मेरे को चेक करना पड़ेगा हर एक चीज़, जल्दी से हर एक चीज़ चेक करता हूँ। मैं बंदों के प्लेन के पास पहुँच गया हूँ भाई, फिलहाल देखो बंदे इसमें बैठ के डूब के मर गए, ये कौन सा नया मतलब काम चल रहा है, इन्होंने सुसाइड किया क्या किया? बंदा देख रहे आप सामने के साथ प्लेन में बैठा हुआ है और प्लेन नीचे जाया जा रहा है, सीधी सी बात है, तो इन्होंने ऐसा काम क्यों किया, नीचे कोई सबमरीन भी नहीं है, सुसाइड, कमाल भाई कमाल, कुछ तो गड़बड़ है। तो एक काम करता हूँ अपने आर्मी को बुलाता हूँ, इन सभी के प्लेन को निकलवा के इनके अंदर से लैपटॉप निकलवाना है, मेरे को चेक करना है सारी चीज़ें। मैं दोबारा मिलिट्री बेस पर निकलता हूँ, अपने बंदों को फोन करता हूँ हेलीकॉप्टर वाले को, मेरे को दोबारा से मिलिट्री बेस पर लेकर के जाएंगे और चेक करेंगे लैपटॉप कौन से प्लेन में है, जिनमें मैंने ब्लास्ट कर दिया उनमें था तो अच्छी बात है फट गया होगा, अगर नहीं फटा तो इनमें से किसी के पास होगा, अगर इनके पास नहीं हुआ तो भाई फिलहाल इसका मतलब मेरी मेहनत खराब हो गई है, क्या पता किसी और के पास ये लैपटॉप, क्योंकि इतनी आसानी से मेरे को मिल जाए मेरे को यकीन नहीं है, जो कुछ भी पता तो मैं कर लूँगा। ट्रेवर ब्रो ऊपर निकल जल्दी, मैंने अपने हेलीकॉप्टर की स्क्वाड को भाई फोन कर दिया है और मेरा प्यारा बंदा पहुँच भी गया है, मेरे को फटाफट से रस्सी डालने वाला है और जल्दी से रस्सी डाल भाई मेरे को लेकर के निकल, बाकी दूसरी कार को मतलब दूसरी आर्मी को मैंने फोन करके बोल दिया है, वो मेरी प्यारी आर्मी भाई फटाफट से पहुँच के प्लेन्स के ऊपर काम करेगी और प्लेन्स को निकालेगी। चल भाई बहुत बड़े थैंक यू आने के लिए, मिलिट्री बेस पर ले जल्दी से, कार ने चलना शुरू कर दिया, बोल रहा है ओके ट्रेवर सर अमेजिंग, आप टेंशन में लीजिए जल्दी आपको पहुँचा दूंगा। तो फिलहाल चलिए पहुँचते दोबारा से मिलिट्री बेस पर और बंदे आने लग रहे हैं, काम शुरू हो जाएगा 2 घंटे के बाद, देखते हैं भाई क्या रिपोर्ट मिलेगी। मैं सीधा मिलिट्री बेस ही जाने वाला हूँ और वहीं पर वेट करूँगा, देखते हैं लैपटॉप कौन से प्लेन में था जो ब्लास्ट हो गए और जो कूद गए वगैरह वगैरह, सब में पता चल जाएगा। फिलहाल वैसे इस प्लेन से मैं मारता तो भाई बहुत टाइम लगता, देखो ये चलता तो रहता बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, पता है क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत स्लो चलता है बंदा मेरा, 160 की स्पीड में जा रहा है और प्लेन्स काफ़ी तेज़ होते हैं और ऊपर से प्लेन्स के ऊपर मिनी गन से इससे निशाना लगाना मुश्किल होता है और प्लेन जल्दी से फटते नहीं है, वो तो मेरे रॉकेट से नहीं फट रहे थे भाई, लगता है काफ़ी ज़्यादा बुलेट प्रूफ थे, जो भी थे खैर अब तो हो गया जो हो गया। चल भाई जल्दी पहुंचा दे यार, 160 से ऊपर क्यों नहीं भगा दे तो नमूने। मैं फाइनली भाई मिलिट्री बेस प्यार से पहुंच चुका हूँ, थैंक यू भाई मेरे को यहाँ पे लाने के लिए, अमेजिंग बंदे हो तुम लोग। चलिए जल्दी से पीछे तरफ निकल कर टावर पर पहुंचता हूँ और पता करता हूँ हर एक चीज़ वगैरह वगैरह।
चलो 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 ट्रेवर फटाफट से जल्दी से चलिए भाई बातें करता हूँ, देखता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दोपहर के एक बज चुके हैं भाई, मैंने बहुत इंतजार किया, पूरे 4 घंटे लगे हर एक प्लेन को ढूंढने में निकालने में, लैपटॉप नहीं है उनमें से किसी में भी, ना तो चलने वालों में और ना ही जो प्लेन खुद ही गिरा दिए गए। इसका मतलब भाई लैपटॉप उन बंदों के पास था ही नहीं। आर्मी को गलत इन्फॉर्मेशन दी, आर्मी ने बोला था उनके पास लैपटॉप जहाँ से उड़ कर गए प्लेन सारे सारे, उनके पास कुछ नहीं था। इसका मतलब फ्री में एक काम बढ़ गया मेरा। ठीक है भाई, नमूने जनरल में चेक करता हूँ, चलिए मैं निकलता हूँ, चलिए भाई पहुँचता हूँ फटाफट से यहाँ से। बहुत बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, गाड़ी मंगाता हूँ अपनी पीछे इधर भी खड़ी हुए और निकलता हूँ। मेरे सीक्रेट सर्विस वाले बंदे का फ़ोन आया भाई, अमेजिंग इन्फॉर्मेशन दिया। बंदे बोल रहे ड्राइवर सर हमने पता लगा लिया, बट बंदों की कितनी मस्त किस्मत खराब है भाई, मज़ा आ गया। उन फाइटर प्लेन के अलावा एक और बहुत बड़ा प्लेन निकला था जिसमें लैपटॉप था, बट अचानक से पता नहीं उस प्लेन में क्या खराबी हुई है, वो प्लेन उड़ते उड़ते हमारे एयरपोर्ट पर क्रैश कर गया। पहले तो भाई बंदों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था, बट फिलहाल जैसे बाद में देखा तो वो वही प्लेन है जिसमें लैपटॉप था और फिलहाल वो क्रैश हो चुका है। तो अभी आपको एक बहुत अच्छी खबर ये है, देखो ये तो नहीं पता मैं लैपटॉप कहाँ पर है, बट अच्छी खबर पता है क्या है, लैपटॉप लॉस सैंटोस में ही है, क्योंकि प्लेन लॉस सैंटोस में क्रैश हो गया एयरपोर्ट पर, वो आगे जा ही नहीं पाया। तो मेरे सीक्रेट सर्विस वाले बंदे बोल रहे कि ड्राइवर सर हमने कुछ लैपटॉप मतलब के बंदे निकलते हुए देखे कार को प्लेन से और वो गए फेम और शेम पे, आप तुरंत वहाँ पर पहुंचे सही बंदों को अटैक कीजिए वगैरह वगैरह। तो चलिए भाई सबसे पहले प्लेन को जा करके देखते हैं, उसके बाद फेम और शेम पर निकले हैं, क्योंकि प्लेन से निकलने वाले बंदे फेम और शेम में गए हैं सारे के सारे। तो इसका मतलब लैपटॉप उनके पास ही है, मज़ा आ गया मज़ा आ गया। चल चलिए ट्रेवर फटाफट से निकल भाई, किस्मत अपना साथ दे रही है, ये मतलब उनका प्लेन क्रैश हो गया। देखो मैं पहुंच चुका हूं भाई एयरपोर्ट पर, तो प्यारा प्यारा सामने इतना बड़ा प्लेन पड़ा है। फिलहाल देखो आर्मी बहुत बिजी थी, पुलिस बहुत बिजी थी, सभी बिजी थे भाई, क्योंकि अटैक हो गया था आर्मी बेस पर, और बहुत सारी पुलिस तो मैंने भाई बैंक्स पे लगा के रखे है, इसलिए किसी ने जल्दी से ध्यान नहीं दिया। जब मेरे बंदों ने बाद में ध्यान दिया, पहले तो नहीं प्लेन क्रैश का सबको पता था प्लेन क्रैश हो गया, ऐसा नहीं कि भाई इतनी बड़ी चीज़ पता नहीं चलेगी, बट ध्यान किस पर नहीं दिया कि प्लेन वही है जिसमें लैपटॉप था या नहीं था। बाद में ध्यान दिया गया तो लैपटॉप वाला ही प्लेन था, नहीं तो भाई प्लेन क्रैश तो सबसे पहले जब हुआ था तभी पता चल गया था, वो तो कोई नई चीज़ नहीं है। मेरे सीक्रेट सर्विस वाले ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाली है। तो भाई ये देखो इस वाले बड़े प्लेन में जा रहे थे, कार्गो प्लेन है भाई, बहुत बढ़िया। अरे ट्रेवल आराम से ब्रो, आराम से आराम से। फिलहाल देखता हूँ इसके अंदर जा करके चेक करता हूँ, इसके अंदर कुछ है नहीं है, अगर इसके अंदर ही क्या होता कुछ मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, नहीं तो भाई सीधा मैं निकलने वाला। तो कोई ऑलरेडी फेम और शेम में बहुत पुलिस पहुंच चुकी है, मेरे को फोन आया था कि ड्राइवर सर बताइए क्या करना है, मैंने बोला जब तक अटैक मत करना जब तक मैं ना आऊँ। फिलहाल बंदे तो ये सोच रहे थे कि ड्राइवर सर नहीं आएंगे, ओके अरे सो सॉरी ड्राइवर, मतलब वो खुद ही अटैक करना चाह रहे थे क्योंकि वो चाहते नहीं कि ड्राइवर कुछ खतरा हो जाए वगैरह वगैरह। तो ठीक है चलिए भाई मैं पहुँच गया हूँ, ओके अंदर चेक करता हूँ कुछ है क्या। फिलहाल लगता है भाई कुछ नहीं है, बेचारों क्या किस्मत बुरी है, क्या बुरी किस्मत है बेचारों का, देखो प्लेन क्रैश हो गया। तो भाई चलिए यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल हो करके रखा हुआ है। ठीक है भाई निकलता हूँ, मैंने एरिया देख लिया, ये प्लेन बस सोच लो ट्रेवर किस्मत अच्छी करने के लिए क्रैश हुआ है, मज़ा आएगा। जल्दी ट्रेवर निकल ब्रो निकल, इससे पहले गड़बड़ हो जाए, लैपटॉप नहीं जानी चाहिए भाई। 1% अगर लैपटॉप सच्ची में दुश्मन के हाथ चला गया ना, लॉस सैंटोस में 0 पैसा रह जाएगा, ना मेरे अकाउंट में 0, मतलब कुछ नहीं रहेगा, सबका 0 अकाउंट A to Z। एक तरीके से सपना क्या ही बोलूँ मैं, तो ड्रीम रोबरी थी वैसे एक टाइम पे मेरी, मैं करना चाह रहा था भाई ऐसा, और ये सपना कोई और करेगा तो मैं ये पूरा नहीं होने दूंगा। ये मैं आपको पहले बताती हूँ, ट्रेवल की ड्रीम रोबरी थी, आपको याद होगा बहुत टाइम पहले मैं रोबरी करना सोच रहा था, तो मैं यही सोच रहा था कि मैं पूरे लॉस सैंटोस का पैसा चुरा के अपने बैंक में डाल दूंगा, और आज वही लिबर्टी सिटी करना सोच रही है। मतलब ट्रेवल की ड्रीम रोबरी को खुद करोगे, नमूना इतना मारूंगा, अब सिचुएशन खराब है, रोबरी नहीं हो सकती अब। मैंने पता कर लिया है भाई यहाँ पे सभी बंदों से आकर के, बंदे बोल रहे ट्रेवल सर प्लीज़ आप अंदर मत जाइए, खतरा हो सकता है प्रेजेंट ऑफ शहर के वगैरह वगैरह, आपको इतने खतरनाक काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला नमूने शांति, ड्राइवर ना तो हमसे सबसे ज़्यादा दमदार है। तो फिलहाल बंदे से पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, अंदर 70+ बंदे हैं, इन्होंने चेक कर लिया, बंदे मेरे ही वेट का इंतजार कर रहे थे, मतलब मेरे ही ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे थे। चलिए काम शुरू करते हैं, ओके टकले भाई नवरत्न तेल लगा ले, ठंडा हो जा, कूल हो जा, क्योंकि बंदे मार रहे हैं बहुत ज़्यादा। चलिए ऑफिसर्स अटैक करना शुरू कीजिए, सामने जितने बंदे नेता बना डालो इन सभी का, मच्छर हमसे पंगा लेने आए हैं। देखो कॉफ़ी पी रहा है, अबे इतना मारूंगा, प्रेजेंट तो कॉफ़ी पी नहीं रहा, तू कॉफ़ी पी रहा है, अबे भागो यहाँ से भागो फटाफट से, ये ले नमूने इतना मारूंगा। चलिए आर्मी अटैक कीजिए फटाफट से, बंदों का दी एंड कीजिए, 70 बंदे बताए थे, 70 बंदे को ज़्यादा नहीं होते, कुछ ही देर में 70 बंदों को जान से मारा जा सकता है, मेरे हिसाब से बहुत कम है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मारो मारो, FIU और पुलिस सभी चीज़ को संभाल लेगी, बस काश भाई यहाँ पे लैपटॉप मिल जाए मज़ा आ जाएगा। मेरे पुलिस वाले भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अरे कोई रॉकेट मार रहा है मेरे ऊपर, चेक करो किस बंदे ने किया सारा सारा काम, लगता है मेरे को अपनी हेलीकॉप्टर वाली टीम बुलानी पड़ेगी यार, ये पुलिस वाले कमज़ोर पड़ रहे हैं। मारो नमूनो, बदतमीजी मत करो, मतलब बेवकूफ़ी मत करो, ये ले बेटे ब्लड ग्रुप है भाई ये तो, चल 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 ये ले बेटे, चाचा जी इतना मारूंगा भूल जाएगा नाम भी, आजा आजा बाहर आजा आजा अंदर आजा पुलिस वाले भाइयों, बाहर के बंदों को मार रही है, मेरे ही बंदा है भाई, वो भाई लाते बजा जाके पिट रहा है बंदों को, ये ले बेटे आजा सामने आजा,
खत्म हो गए ना, अंदर आओ अंदर आओ, बाहर से काम नहीं चलने वाला, अंदर है, अंदर बंदे नीचे घुस करके रखे हुए, चलो चलो जल्दी आ जाओ, बहुत बढ़िया। अरे किसको गोली लगी थी, ये ले बेटे, लग गई ओके बहुत सही है, ये ले चाचा जी आ जाओ आ जाओ, 70 बंदे से ज्यादा लग रहे हैं मेरे को भाई, आए जा रहे हैं, मेरा कार्ड दो, कैसे गोली मार रहा है, अबे आराम से नमूने, लग गई बेचारे गोली, मान रहा था, मैंने बोला था ना आगे मत आना, और ऊपर से बिना वेपन के लड़ रहा था यहाँ पर। अरे यार ये कितने बंदे थे, तुमने 70 बोल के मेरे को गलत बोला यार, 70 बंदे नहीं ज्यादा बंदे हैं यहाँ पर, बहुत बंदे मार दिए मैंने, कमाल कर रहे हो। चलिए फिलहाल भाई पहुंच चुका हूँ मैं लगभग जगह पर, आ जा बेटे, ले बेटे कैसी लगी, आया मजा आ गया होगा। तो चलिए भाई फटाफट से मैंने पूरा फेम और शेम खाली कर दिया है, अब लैपटॉप चेक करते हैं बंदे के पास लैपटॉप है नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई पूरा का पूरा कंट्रोल में हमारी सिचुएशन, बताओ कहाँ पे आके रुके हैं, सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, यहाँ पर होस्टेज बना लें कुछ बंदों को और बच जाएंगे चुपचाप रातों रात, ड्राइवर की आर्मी में धोखा दोगे, इतने बड़े हो गए तुम लोग, लैपटॉप मिला ही नहीं भाई, बंदों ने बोला कि ड्राइवर सर आपके दिन गए, अब कुछ भी कर लो कुछ नहीं मिल पाएगा, बंदों को मारा यार, लैपटॉप इनके पास था इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, बट लैपटॉप इन्होंने पहले शिफ्ट कर दिया, बंदे बोल रहे तुझे जिंदगी में नहीं मिलेगा ड्राइवर लैपटॉप, अब तेरा ये जो लोस सेंट होता है ना तेरे को जान से प्यारा, अब ये भिखारियों की लिस्ट में आने वाला है, अब तेरा पैसा 000 और तेरा भी दी एंड होगा प्रेजेंट बनने का, तूने बादशाह भाई से और हमारे लोस सेंटर्स के मतलब लिबर्टी सिटी के मेयर से पंगा लिया है ना, तेरे को ये नहीं करना चाहिए था। पुलिस वाले को तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा भाई चल क्या रहा है, बट मैं तो समझ रहा हूँ ना, जिस दिन पुलिस वाले को सारी बातें पता चलेगी वो बोलेंगे ड्राइवर सर ने बर्बाद करवा दिया, क्योंकि सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है भाई, मेरे दुश्मन और वो मेरी वजह से लोस सेंटर्स खराब कर रहे हैं, तो बहुत बुरा चल रहा है। चलिए खैर जो भी मैं संभाल लूंगा भाई, तो बहुत बुरा काम चल रहा है ड्राइवर, कुछ तो सॉल्यूशन निकाल इससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाए भाई, क्योंकि अगर गड़बड़ हो गई ना एक बार ये सारा का सारा काम हो गया, अगर ये रोबरी हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वैसे रोबरी तो हो गई देखा जाए तो, बंदे ने बेवकूफ़ बनाया मेरा, कहाँ पे क्या रो मतलब चुरा के ले गए, मैंने सोचा था पैसा चुराएंगे बैंक पाएंगे आराम से खत्म कर दूंगा, बट बंदे तो भाई लैपटॉप ले गए, सॉफ्टवेयर चाहिए थे बस उनको जिससे लोस सैंटोस को हैक किया जा सके, एक तरीके से अगर भाई मैं लोस सैंटोस के सर्वर्स को चेंज करवा के बंद करवा दूँ किसी तरीके से, कोई भी चीज़ चालू ना हो तो फिर भाई हैकिंग हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, जब तक किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं करेगा कोई बंदा तो नहीं हो पाएगी हैकिंग, तो अगर किसी तरीके से सैटेलाइट में कुछ उल्टा सीधा काम करवाओ जिससे पूरा सर्वर बंद करा डालो, लोस सैंटोस ही बंद करा डालो, एक तरीके से नेट पूरा ख़त्म कर दो, बट यार तब भी हो पाएगी ना। चलिए जो भी मैं कर सकता हूँ मैं कोशिश करके चेक करूँगा जिससे भी मतलब हैकिंग रुक जाए। नो गोल्ड वाले बंदे यार पिटेंगे सच्ची में, आपने नो गोल्ड के मैनेजर को आपको बताया मैंने लास्ट एपिसोड में अरेस्ट करवा दिया था ताकि भाई मेरे को कुछ प्रॉब्लम ना हो सके, तो फिलहाल उसके जो भक्त है ना उसके प्यारे मेंबर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने फ्री में हमारे मैनेजर को उठाया, रेड मारी, कोई प्रूफ नहीं है कोई सबूत नहीं है, गवर्नमेंट अपनी राज चला रही है, ड्राइवर जिसको मन चाहे उसको अरेस्ट कर रहा है, अपने दुश्मनों को ये और वो अपना फ़ायदा कर रहा है, ये मिसयूज़ कर रहा है प्रेजेंट की पावर्स को, ऐसे ऐसे काम बोल रहे हैं, इनको मैं नेता बना लूँगा भाई फिलहाल। चलिए जल्दी से निकलता हूँ, वैसे क्राइम रेट में आपको बता दूँ खुशखबरी है भाई 3% तक पहुँच चुका है क्राइम रेट, पूरा जीरो हो चुका है, अभी देखा जाए तो दिक्कत ये है कि बस ये तो लिबर्टी सिटी के बंदे अटैक कर रहे हैं, देखो ये लोस सैंटोस के बंदे नहीं है तो इसको मैं क्राइम रेट में नहीं गिनने वाला, बट पॉइंट क्या है, बट अगर ऐसे ही इन्होंने बंदों को खरीद गए मेरे बंदों को भी अपने बना लिया तो फिर दिक्कत होगी यार, मेरा इतना अच्छी करा मैंने इतनी मेहनत करी मतलब सारा काम करने के लिए और सारा का सारा काम बेकार हो गया, मतलब क्या काम चल रहा है, बहुत बुरा हुआ। पहुंच चुका हूं मैं भाई जगह पर, इन बंदों को चले जाकर के समझाता हूं यहां पर नहीं थे बंदे इकट्ठा होते रहेंगे वगैरह वगैरह, नो गोड वाले बंदों ने अपने कुछ भाई भक्तों को यहां पर जो इनकी टीम के मेंबर्स हैं इनके साथ ज्वाइन रहते हैं उनको बुला के बोल के रखा है कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे वगैरह वगैरह सारे काम करेंगे, इनको बनाता हूं नेता। चल ड्राइवर आगे तरफ निकल, प्रेजेंट यहां पर खुद आए हैं भाई स्पीच देने के लिए, अब इनको समझाता हूं कि अगर ये बंद नहीं किया ना तो उसी के साथ साथ तुम सभी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्जेस रख के रखे हैं और एक क्रिमिनल का साथ देना एक क्रिमिनल वाला काम होता है, मैंने हर एक बंदे को समझा दिया है, अब वो उसके ऊपर की बात है, वो बंदा मेरी बात फॉलो करेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको बताइए प्रेजेंट ड्राइवर झूठ तो बोलता नहीं है, सब बंदे फिलहाल कुछ बोले नहीं है, चुप हो गए शांत हो गए, तो देखते हैं भाई क्या होने वाला है, अगर ये बंदे अभी भी ऐसी प्रोटेस्ट करते रहेंगे और फिर मतलब बिना वजह हीट फैलाएंगे ड्राइवर के खिलाफ तो फिर मैं इनको सीधा करूंगा, बोलते हैं कि उसको छोड़ दो ड्राइवर ने कुछ नहीं किया, देखो भाई मैं उसको छोड़ तो दूंगा पर अभी मजबूरी है, अभी नहीं छोड़ सकता, अगर उस नमूने को छोड़ा ना तो पता नहीं वो क्या से क्या करवाएगा, वो कुछ भी करवा सकता है यार, वो पागल बंदा है सच्ची में, मैं ये रिस्क नहीं लूंगा भाई, कुछ भी हो जाए मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। मेरे प्यारे प्यारे भाई का फोन आया भाई सीक्रेट सर्विस वाले बंदे का, बंदे ने मेरे को बोला ड्राइवर सर लैपटॉप मिलने वाला है खुश हो जाइए, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सच है एकदम 101%, फटाफट से जाकर के पहुंचे लैपटॉप लेकर के आइए। फिलहाल देखिए भाई लैपटॉप मैं ढूंढ रहा हूँ और बाकी बंदों को मैंने अभी तक वैसे पुलिस वालों को तो नहीं बोला, तो फिलहाल चलिए भाई जल्दी से जगह पर पहुंचते हैं, लेट नहीं करेंगे इससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाए, फटाफट से मेरे को पता लगा है कहां से कुछ बंदे आने वाले हैं, पहले मैं जगह पर पहुंचता हूं फिर आपको बताता हूं सारी चीज़ें क्या होने वाली है। मैं जगह पर पहुंच चुका हूं फिलहाल भाई, अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा कर दिया मेरे पुलिस वाले बंदों ने, ये है देखो हमारे शहर का मेन हाईवे,
यहां से पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिली है, मतलब सीक्रेट सर्विस वाले बंदे को, कि कुछ प्राइवेट ट्रक्स में बंदे लैपटॉप को लेकर के जा रहे चुपचाप। तो मैंने पूरा हाईवे ब्लॉक करवा दिया और पूरे पूरे शहर को यहाँ पे आना जाना बंद करवा दिया। तो फिलहाल अब यहाँ से वो बंदे आएंगे और पिटेंगे, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं पता, क्योंकि भाई मैंने अभी अरेंज करवाया सिर्फ 15 मिनट पहले ही, तो उन बंदों को नहीं पता होगा कि भाई यहाँ पे हमने रूट ब्लॉक करके रखा है। अगर उनको पता होगा तो देखो नहीं आएंगे, बट अगर उनको नहीं पता होगा तो यहाँ से ज़रूर आएंगे और बच के जिंदा वापस नहीं जाएंगे। काश भाई वो बंदे यहाँ पर आए और देखे, फिर नेता बनाऊंगा बंदों का बहुत बुरी तरीके से। मेरे प्यारे गार्ड्स अलर्ट रहो, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ यहाँ पे बदमाश जो बहुत ज़्यादा शहर को नुकसान पहुँचाने वाले हैं, वो ट्रक्स में भर करके यहाँ पे आने वाले हैं। हमें सिर्फ उनके पास से एक लैपटॉप लेना है, मैं ये नहीं बताऊंगा लैपटॉप में क्या है वगैरह वगैरह, वो आर्मी की सीक्रेट है। काफ़ी टाइम बीत चुका है भाई, देखे देखते हैं, मुझे लगता है शायद से इन्फॉर्मेशन गलत है मेरे प्यारे सीक्रेट सर्विस वाले बंदों की, बट फिर भी इंतजार मैं ज़रूर करूँगा एक दो घंटा। और यहाँ पर पुलिस वाले भी थक चुके हैं, बोल रहे हैं कि ट्रेवर्सर अभी तक तो यहाँ पर कोई पास हुआ नहीं है। मैंने बोला यार इन्फॉर्मेशन तो मिली थी, कोई ना कोई तो ज़रूर आने वाला है। ओके एक ट्रक यहाँ से जा रहा है, पता नहीं कौन है, वही है नहीं है, फिलहाल ये तो नहीं है शायद से। ओके फिलहाल भाई कुछ ट्रक तो आ रहे हैं, गाइज अलर्ट रहना ज़रा, मुझे लगता है हाँ यही ट्रक है, फायर करो, यही बंदे ट्रक में है। ओके भाई बंदे उतरे और बंदे ने पहले ही अटैक करना शुरू कर दिया, यही ट्रक है भाई, यही ट्रक है, अमेजिंग। नमूना इतना मारूंगा नाम भूल जाओगे तुम लोग। तो चलिए भाई फाइनली बंदे पहुंच चुके हैं, मारो मारो सभी को मारो, जाओ आगे की तरफ जाओ, हर एक बंदे को मारो, लैपटॉप ढूंढो फटाफट से जाकर के, लैपटॉप जिस ट्रक में भी है मेरे को चाहिए लैपटॉप। तो फिलहाल चलिए भाई, मेरे को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेरी प्यारी से पुलिस सारा काम कर लेगी। प्रेजेंट होने के यही तो फायदे होते हैं कि भाई कुछ मत करो, देखो खड़े होकर के सारा काम, ड्राइवर नमूने ऊपर ही चढ़ जाता। चलिए फिलहाल भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके सारे बंदे लगभग मर चुके हैं, बहुत बढ़िया बात है। नहीं भाई अभी बंदे आए जा रहे हैं, ओके और बंदे आ रहे हैं, मारो मारो ऑफिसर, देखो एक बंदा भागने की कोशिश कर रहा है, इसका नेता मैं बनाऊंगा। ओके मारो तुम ही मारो, ये देखो एक दो बंदे को तो मार ही लो, ये ले बेटे इतना मारूंगा नाम भूल जाएगा। तो फिलहाल चलिए भाई हम लोगों ने बहुत सारे बंदों को लगभग डिएंड कर दिया है, परफेक्ट, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बढ़िया शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कुछ ही बंदे बचे हुए हैं, आराम से ज़्यादा गोली मत चलाओ, कभी गाड़ियाँ फट जाए, क्योंकि हम लोगों को ये गाड़ियाँ सही चाहिए भाई, इनके अंदर लैपटॉप निकालना है। आराम से काम लो, लगता है मेरे को ही मारना पड़ेगा, ये बंदे ने मेरे को गाड़ी डैमेज कर देगा और गाड़ी फट जाएगी। नमूनों गाड़ी फटने वाली है, मैंने बोला था ना कम चलाओ इनको, यार ये भी ना उल्टे सीधे काम करते। चलिए मैं फटाफट से सारी जगह चेक करता हूँ। ओके मेरे को चेक करना था, मैं चेक करता हूँ कि कौन सी गाड़ी में लैपटॉप है। मैंने पीछे वाली गाड़ी तो चेक कर ली भाई, इसमें कुछ भी नहीं है, मेरे को भी ये ट्रक चेक करना है। इसको चेक करने के बाद फिर मैं आगे निकलूंगा और चेक करता हूँ भाई कौन सी गाड़ी में हो पाएंगे। काम करते चलिए, पहले ये वाली गाड़ी चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मेरे गार्ड्स तुम्हें काम करो, खड़े मत रहो यार, तुम लोग भी चेक कर लो ना, कमाल करते हो। अबे सारे ट्रक्स चेक करो, चलो जल्दी से फटाफट से, ड्राइवर ब्रो चल जल्दी से चेक कर दो अभी। तो फिलहाल भाई चलिए इस वाली गाड़ी को चेक करता हूँ, एक सेकंड भाई ये क्या लग रहा है यार, ट्रक के पीछे दो में चाहे मर गया भाई, ये कौन से लेवल की बदतमीजी थी यार, मेरे को बात समझ नहीं आई यार, बहुत बुरा खतरा, मतलब बहुत बुरा डैमेज हो गया ड्राइवर, पूरी बॉडी फट गई, ये प्लान था क्या। अबे सीक्रेट सर्विस वाले नमूना लैपटॉप तो मेरे को मिल नहीं रहा था, मैंने लगभग उस तरफ की सारी चीज़ें चेक कर ली थी, मैं इस गाड़ी को चेक करने के लिए आया था, मेरे को बॉम्ब दिखाई दिया था भाई इस ट्रक के पीछे, तभी मैंने बोला ये क्या चीज़, और एकदम से फट गए सारे ट्रक्स, और ये गाड़ी भी बहुत बुरी तरीके से। अबे जल्दी से आओ मेरे को हॉस्पिटल लेकर के चलो, कुछ तो गड़बड़ लग रही है भाई, ये किसने किया क्या किया, सब कुछ काम खराब चल रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, मतलब बहुत अजीब है। फिलहाल भाई मेरे प्यारे कुछ ऑफिसर्स आए तो पीछे खड़े हुए थे, उनमें से कुछ बच गए, और कुछ तो जो मेरे साथ ट्रक्स को चेक कर रहे थे उनका तो नेता बन गया भाई, हैंड टू हैंड वो बंदे तो बच नहीं पाए शायद से। अब ड्राइवर को हॉस्पिटल में लेकर के जा रहा है बंदा फटाफट से, प्रेजेंट सर मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा वगैरह वगैरह, मेरे प्यारे नमूने जल्दी से लेकर के निकल भाई, ब्लास्ट ना बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ है, वो ड्राइवर की बॉडी के बिल्कुल पास में हो गया, इस वजह से दिक्कत हो रही है, नहीं तो भाई ड्राइवर छोटी मोटी चीज़ें तो बर्दाश्त कर लेता है, बट बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जल्दी पहुँचा नमूने हॉस्पिटल में, अगर प्रेजेंट को कुछ होगा तेरे को नेता बना दूंगा, और बाकी मैंने भाई मरते मरते बंदे को बोल दिया कि जब यहाँ पर टीम आएगी हर एक गाड़ी को चेक करना, ट्रक को चेक करना, हमें सिर्फ एक लैपटॉप की तलाश है वगैरह वगैरह, पीछे ही मिलिट्री बेस था वहाँ से भी आ जाएंगे बंदे फटाफट से। बट देखो फिलहाल मेरे को पहले हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मेरी तो हालत बहुत बुरी करती बंदों ने, इनको मैं नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी। ये प्लान था क्या यार, अब प्लान था नहीं था वो पता लग जाएगा, बट फिलहाल तो जो भी है बड़ा बुरा किया ड्राइवर ब्रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा हो भाई नमूना तुरंत मेरे को एकदम से लेकर के जा रहा है भाई, अगर ये थोड़ा टाइम कर देता और टाइम लग जाता इसको यहाँ वहाँ पे आने में, तो समझ लो फिर तो ड्राइवर का मरना पक्का ही था भाई, मतलब कि बहुत दिक्कत हो जाती है अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तो। देखो ड्राइवर के अंदर मैं मानता हूँ एडमेंटी में रिकवरी जल्दी होती है, बट देखो दर्द भी होता है ड्राइवर को, अगर ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो फिर रिकवरी होना मुश्किल हो जाएगी, इसलिए एकदम से इतना ज़्यादा खतरनाक अटैक भी नहीं सकता। अगर ड्राइवर मरेगा नहीं फिर तो ऐसा तो बहुत खतरनाक काम हो जाएगा, मर सकता है बट भाई बहुत मुश्किल से, अगर ज़्यादा ब्लड निकल जाए या फिर बहुत बड़ा डैमेज एकदम से हो जाए या फिर बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट ड्राइवर के सामने हो जाए, बिल्कुल ऊपर ही बॉम्ब फोड़ दे, तब ड्राइवर के मरने के चांसेस होते हैं, नहीं तो दूर से गोलियां कितनी मार लो कुछ फर्क इतना नहीं पड़ता। फिलहाल भाई बंदर ने कुछ पेन किलर्स दिए, काफ़ी ड्राइवर अभी बेटर फील कर रहा है,
और थोड़ी शायद से नींद भी इसको आने लग रही है। डॉक्टर फिलहाल मेरे को देखने में ऐसी लग रही है कि देखते प्रेजेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई सीधे साथ में प्रेजेंट हूँ, काफी ज्यादा मिलिट्री वाले बंदे बाहर की तरफ आ चुके हैं मेरी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि भाई सीधी सी बात है इस वक्त में कोई आम गैंगस्टर नहीं हो कि पहले मेरे को चोट लगती थी कोई बंदा नहीं आता था। अब की बार पूरा हॉस्पिटल में मिलिट्री ने चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, बहुत ज्यादा गार्ड्स है, बहुत ये वगैरह वगैरह, और डॉक्टर्स को भी भाई परमिशन एकदम से मतलब अलर्ट करके रखा है और बोल के रखा है कि सबसे पहले ट्रेवर सर को ठीक करो नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। सीधी सी बात है भाई, हम लोग प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है, हम प्रेजिडेंट है, जल्दी से भाई अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है, देखते कितने टाइम बाद ट्रेवर की रिकवरी होगी। वैसे मैंने आपको बोला एडमिटियम में ब्लड के बाद मतलब एक बार ब्लड पूरा हो जाए उसके बाद रिकवरी ट्रेवर की बहुत जल्दी हो जाएगी। मेरी फ्री में मेहनत भी खराब हो गई है और कद्दू कुछ भी नहीं मिला, मैंने मतलब फ्री में बॉम्ब से फट भी गया। मेरे को क्या पता था बंदा ने बॉम्ब लगा के रखा है, क्या चालाके वाला प्लान था इसका, मतलब वो इन्फॉर्मेशन थी ना सीक्रेट सर्विस वाले के पास, वो नकली इन्फॉर्मेशन थी, गलत इन्फॉर्मेशन थी, ताकि मैं वहाँ पे जाऊँ बंदों को मारूँ और मैं भी बॉम्ब ब्लास्ट से फट जाऊँ। ये लिबर्टी सीटर बंदे का ही प्लान है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ओके डॉक्टर थैंक यू, आपने मेरे को दवाई दी वगैरह वगैरह, अभी मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, कल ही कल देखेंगे भाई, एक बार सुबह हो जाने दो जब मैं थोड़ा रिपेयर हो जाऊंगा, फिर कल की कल देखूँ, कल बनाऊंगा बंदों का नेता। अगला दिन हो चुका है भाई, सुबह के 9 बज चुके हैं लगभग, और ट्रेवर पहले से काफ़ी बेटर फील कर रहा है, मैंने कपड़े वगैरह चेंज करवा लिए। पॉइंट क्या है, मेरा प्यारे बंदे मेरे को अभी भी बोल रहे हैं कि ड्राइवर सर प्लीज़ इतनी जल्दी मत जाइए, डिस्चार्ज हो गए वगैरह वगैरह, कुछ उल्टा सीधा काम हो सकता है। मैंने बोला ब्रो अगर ये लैपटॉप ने काम उल्टा सीधा कर दिया ना तो मैं हमेशा के लिए डिस्चार्ज हो जाऊंगा, मतलब दुनिया में मतलब हमेशा के लिए एडमिट होना पड़ेगा, फिर मेरे को फिर कभी डिस्चार्ज की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो चलिए फटाफट से निकलता हूँ भाई यहाँ से, लैपटॉप जब यहाँ पर भी नहीं तो कहाँ पर है। लिबर्टी सिटी वाले नमूने तेरे को बहुत बुरा मारने वाला हूँ सच्ची में यार, बस वो यार ये काम ना करते, नहीं तो देखो मैं अभी तक सिर्फ प्रेजेंट की शर्म कर रहा हूँ कि मैं प्रेजेंट हूँ, अगर एक बार उसने सारी चीज़ लीक कर दी ना सच बता रहा हूँ, फिर मैं लिबर्टी सिटी में जाके बंदे घर में घुस के ही मारूंगा और उसको दिखाऊंगा ट्रेवर कितना बड़ा मॉन्स्टर है। वो तो सिर्फ कुछ दिन से शांत बैठा क्योंकि उसको परमानेंट प्रेजेंट बनना है, अच्छे काम कर रहा है, अच्छा बंदा बनने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो आपको पता ही है ट्रेवर है क्या। मेरे पास मेरी गाड़ी आ चुकी है, बंदे मेरे को बोल रहे हैं ट्रेवर सर सिक्योरिटी को लेकर के चलिए, मैंने बोला भाई सिक्योरिटी को बाद में लूंगा, फिलहाल अभी मेरे को जाने दो, देखो मैं घर पर जाऊंगा थोड़ी देर में, बट घर से जाने से पहले मैंने पूछा सीक्रेट सर्विस वाले बंदों से कि मेरे भाइयों क्या बता इसी घड़ी तुमने दो इन्फॉर्मेशन दी दोनों गलत निकली। बंदे बोल रहे कि ट्रेवर सर हम क्या कर सकते हैं, बंदे डाइवर्ट कर रहे हैं इसका मतलब हमने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली थी, कुछ काम नहीं कर रहे ट्रेवर सर। तो एक काम कीजिए लास्ट इन्फॉर्मेशन अब जो हमारे पास आई है लॉस्ट वाले बंदों की है, अगर उनके पास अब मिल गया कुछ तो मिल गया ड्राइवर सर, नहीं तो फिर ये समझ लिए लॉस सेंटर्स में लैपटॉप नहीं है वो जा चुका है, फिर इसका मतलब जहाँ भी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सब बेवकूफ़ बनाने वाली है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बस। तो ये है भाई सारी की सारी बात। तो चलिए फटाफट से निकलता हूँ जाकर के लॉस वाले बंदों को देख लेता हूँ, अगर भाई वहाँ पर मिल गया ना तो उसके बाद समझ लो है, नहीं तो लॉस सेंटर्स में नहीं है, फिर बस हम समझ जाएंगे कि हम टूट गए भाई। जगह पर पहुँच चुके हो, चल ट्रेवर ब्रो वेपन निकाल जरा बंदों का नेता मैं बनाऊंगा, इधर आ इधर आ फटाफट से इधर आ। तो बंदे यहाँ पर बहुत सारे खड़े हैं, कोई डील कर रहे हैं, ड्राइवर को दुखी करके ये बंदे डील करेंगे, मुझे तो लगता है लॉस गैंग को जड़ से दी एंड कर देना चाहिए मेरे को। हेलो भाई नमूनो कैसे हो, क्या हाल चाल है, आया मतलब ट्रेन के नीचे डालने का मन कर रहा है तुम सही बंदों को। भाई पेड़ गिर गया, पहली बार मेरी गल से भाई मारते मारते ट्री गिरा है, मैंने पहली बार देखा यार ऐसा भी होता है क्या, इतना दम मेरी घर में, पता है मेरे को दम होता है बट इतना दम होता है ये नहीं पता था सच्ची में। तो चलिए फाइनली मैंने सभी को सुला डाला, इसको बोलते हैं लाइफ जिंगल आला, टाटा स्काई का ऐड चलता था ये, अमेजिंग लेवल था। एक और ट्री गिर गया बहुत बढ़िया, चलिए फटाफट ले ले बेटे, अच्छा यार सही है, वाह भाई वाह अच्छा है भाई, ओ भाई बहुत ही बढ़िया, ये पेड़ है फुटबॉल है क्या है ये, इतनी स्पीड से कोई ट्री गिरते हैं क्या, बड़ा मजा आ रहा देख रहे भाई, अमेजिंग अमेजिंग बढ़िया बढ़िया। चलिए फटाफट से निकलता हूँ, अच्छा भाई बहुत हो गया पेड़ों को गिराना, पॉइंट क्या बंदों को उठा करके चेक करता हूँ जल्दी से। बंदे से मैंने बात की, बंदा बोल रहा है ट्रेवर सर आप कैसी बात कर रहे हो, हम क्यों लॉस सेंटर्स का पैसा चुरवा के दूसरे शहर को देंगे, लिबर्टी सिटी को देंगे, गलत है बात, सब ने मतलब झूठ बोला किसी ने आपको, फिर ये मेरे सारे लॉस वाले बंदे मुझसे मरवा दिए, इसका मतलब लॉस कभी भाई उल्टा काम कर ही नहीं रही है, ये सब लिबर्टी सिटी वालों का प्लान था ताकि मैं बस लॉस के पीछे अपना टाइम खराब करूँ शायद से, मुझे ऐसा लग रहा है, और लैपटॉप तो कहीं और ही निकल गया। चलिए निकलता हूँ यहाँ से, मेरे पीए का मेरे पास फोन आया, बंदा बोल रहा है ट्रेवल सर बहुत बड़ी इमरजेंसी है, जहाँ पर भी हो फटाफट से लॉस सेंटर्स के सिटी हॉल पर पहुँच जाइए, मैं ऑफिस पर ही आपका इंतजार कर रहा हूँ। मर गए भाई लगता है, हो गया काम, काम शुरू हो गया, जल्दी पहुँचना पड़ेगा, लेट नहीं करूँगा। अरे मेरे प्यारे ट्री बैलेंस खराब कर दिया, मैं पहुँच चुका हूँ अपने सिटी हॉल पर, जल्दी ट्रेवर ब्रो निकल निकल, एक गोलियाँ इतनी पड़ती रहती है, ट्रेवर प्रेजेंट को परेशान करके रखा है लॉस सेंटर्स ने, फिलहाल अच्छी बात क्या क्राइम रेट इतना बढ़ने वाला है नहीं जब तक लिबर्टी सिटी के बंदे नहीं आते, बट भाई मुसीबत बढ़ेगी अगर पैसा चोरी हो गया तो। जल्दी ट्रेवर ब्रो चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, पीए पता नहीं अब क्या बोलने वाला है, इसने बंदे ने डरा दिया मेरे को, ऐसी इन्फॉर्मेशन बदल मतलब फोन पे ऐसे बातें करी, कुछ तो गड़बड़ लग रही है भाई बात, तभी तो बंदा ऐसे बोल रहा है ट्रेवर तुरंत आ जाइए वगैरह वगैरह, सारा काम हो गया। हेलो भाई पीए देख अच्छी बात बोलना प्लीज़ यार, गलत काम मत बोलना कुछ, सारा का सारा पैसा लॉस सेंटर्स से खत्म, यहाँ तक कि मेरे बैंक अकाउंट से भी सारा का सारा पैसा खत्म हो चुका है, जीरो बैलेंस मेरे अकाउंट में पड़े हुए भाई,
एटीएम में जाकर के मेरे को चेक करना पड़ेगा। देखा जाए तो सब कुछ लुट गया बोल रहा है ट्रेवर से, ये कैसे हो रहा है समझ नहीं आ रहा मेरे को। अब मैं क्या बोलूँ इसको भाई, क्या बोलूँ कि सब लिबर्टी सिटी वाले बंदों ने किया है, बहुत बुरा। देखो मिलिट्री को भी नहीं पता इसकी वजह क्या है, मिलिट्री को पता है हमारा लैपटॉप चोरी हुआ इसलिए सारा काम हो रहा है, उनको ये नहीं पता लैपटॉप क्यों चुराया गया। जब ये पता चलेगा ना सारा काम मेरी वजह से हो रहा है, बहुत बुरा काम चल रहा है। ओके भाई अच्छी बात क्या, एटीएम यहीं पर है, मैं चेक कर लेता हूँ। मेरे पैसे तो भाई जीरो कर दिया बंदे ने, बहुत सारा पैसा पड़ा था मेरे बैंक अकाउंट में। चल मेरे प्यार प्यार ट्रेवल जरा चेक कर ले, ठीक है भाई पिन डाल के अपने पैसा चेक करता हूँ कितना पैसा पड़ा हुआ है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ट्रेवल की ट्रांजेक्शन वगैरह वगैरह, बैलेंस देख रहे हो भाई जीरो, कब से नीचे आप देख रहे होंगे बैलेंस जीरो बचा हुआ है, लुट गया पता नहीं कहाँ कहाँ पे ट्रांजेक्शन दिखा रखे आलतू फालतू के, सब कुछ खत्म हो गया जीरो बैलेंस बच गया, लुट गया ड्राइवर भी, बहुत बुरा हुआ यार। इनको तो मैं नेता बना डालूंगा, जीरो पैसा छोड़ा इन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में, बहुत बुरा काम चल रहा है सच्ची में। अब क्या बोलेगा ड्राइवर तू अपने लॉस सैंटोस को कि तेरा पैसा कहाँ गया, कहाँ गया मेरे मुन्ना तेरा पैसा कहाँ गया, अभी तेरी इज्जत भी जाएगी। मेरा पहला प्लान सक्सेसफुल हुआ ना ड्राइवर के, तेरा पैसा खत्म, तेरा ही नहीं तेरी पूरी जनता का। इस वक्त लॉस सैंटोस में किसी भी बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है, तुम सब भिखारी बन चुके हो। अब जब तो कैश तुम्हारे पास है बस वही काम का है, उसके अलावा तुम भिखारी हो। तुम्हारा शहर अभी पूरा डूबने वाला है ट्रेवर लॉस सैंटोस, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम भिखारी बन चुके हो सारे के सारे बंदे। मजा आएगा और अब देख तेरी इज्जत भी उड़ाता हूँ मैं ट्रेवर। बादशाह के इस चमचे को मैं चांद से मार डालूंगा मेयर को, मुझे लगता है ये मरना चाहता है टाइम से पहले, मरना चाहता है, इतना बुरा मरेगा, इतना बुरा मरेगा। घर पर निकलता हूँ भाई, इससे पहले मेरे चाचा का मेरे पास फोन आया था, फटाफट से पूछता हूँ देखते क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के आए भाई। उनको मैंने बोला था कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आना, अभी तक तो चलिए भाई पैसे कटे लोगों के, और अब तो प्रोटेस्ट इतने चलेंगे रोड पे बंदे उतर पड़ेंगे, बोलेंगे ट्रेवल सर बर्बाद हो गए, कहाँ गए पैसे, कैसी गवर्नमेंट है, सारी इज्जत जो बनाई थी सब लुट गई, आर्मी को पीटने का मन कर रहा है। मैंने सोचा था रोबरी बैंक में होगी यार, मैंने थोड़ी सोचा था सॉफ्टवेयर चुरा कर रोबरी करी जाएगी, ये तो ट्रेवल का सपना था सच्ची में। मैं करता है ऐसा, पिछले साल मैंने सोचा था, नहीं पिछले साल नहीं कुछ महीने पहले मैंने सोचा था, बट फिर मैंने किया नहीं था, बट अब क्या करूं जो मैंने सोचा वो बंदों ने कर दिया। मैं घर पर पहुंच चुका हूं, मेरे प्यारे गार्ड्स यहां पर खड़े ही रहते हैं, बहुत बड़े भाई अच्छे से ड्यूटी कर रहे हो। बोलो मेरे प्यारे दोनों चाचाओ, न्यूज़ तो देख ली होगी, इस वक्त लॉस सैंटोस बर्बाद पड़ा है, चाचाओ तुमसे क्या छुपाना, वही बादशाह जो हमारा खानदानी दुश्मन है उसका दोस्त है लिबर्टी सिटी का मेयर। मैंने बोला डिक्टेटर को मेरी हेल्प करने के लिए, कुछ जान पहचान के बंदे तो हेल्प कराए, बट वो मेयर किसी की नहीं सुन रहा, उसने यहाँ पे पहले तो आज अटैक करवाया, मेरे को कंफ्यूज रखा, फिर उसने लैपटॉप चुरा दिया सॉफ्टवेयर के यूज़ करके, उसने सारे बैंक बैलेंस चुरा लिया, सब कुछ बैंक बैलेंस जीरो कर दिया। चाचा कोई आइडिया तो दोनों के दोनों दो, तुम दोनों बहुत खतरनाक आइडिया बनाने वाले बंदे हो यार, कुछ तो बताओ कैसे बचे सिचुएशन से, नहीं तो इस वक्त मेरी जितनी मैंने वैल्यू बनाई थी सब जीरो होने वाली है कुछ ही देर में। ट्रेवर का मोरफेस चाचा बोल रहा है, ट्रेवर ये बात तुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैं उसकी कमर तोड़ दूंगा, फिलहाल तो चल हमारे साथ मेरे प्यारे बेटे, हमने बहुत से बंदे पकड़े हैं बादशाह के, अगर तेरे से कुछ बता सकते तो बता देंगे, नहीं तो उनके गर्दन काटूंगा मैं जा करके। इन्होंने भाई दोनों ने, मैंने इनको बोला था ना बादशाह चाहिए मेरे को, बादशाह के कई सारे बंदे इन्होंने पकड़े और डेथ वैली में ले गए भाई, जहाँ पे बंदों को पोल पे लटका के जान से मारा जाता है, इन्होंने वहीं पे लटका के रखा सभी को। कमाल यार इनका स्वैग सच्ची में। हम सभी लोग पहुंच चुके हैं भाई डेथ ऑफ वैली में, मतलब कि वैली ऑफ डेथ में, मज़ेदार जगह है ये, यहाँ पर अपने दुश्मनों को मारा जाता है, जो कोई भी ला सकता है लाओ और लटका दो, ये एक तरीके से माफिया की बहुत खतरनाक फेमस जगह है। अबे कमाल करते हो यार तुम लोग सच में ही चाचा हो, ट्रेवर के चाचा ट्रेवर की तरह खतरनाक है, खैर ये पूरा खानदानी खतरनाक है भाई, अगर ट्रेवर के पापा जिंदा होते रॉबर्ट फिलिप्स तो फिर तो सच्ची में इतना खतरनाक मामला होता, मजा ही आ जाता, क्योंकि वो तो अलग ही लेवल के स्वैग के बंदे थे, इतनी पावर थी उनकी, बहुत बुरे खतरनाक बंदे थे। तो फिलहाल भाई सामने जितने बंदे आप देख रहे हो बादशाह के बंदे हैं, मतलब कोई बादशाह के नमूने हैं, तो इनको बांध के रखा है मेरे चाचाओं ने, तो जल्दी से भाई फटाफट से बंदों अगर कुछ बताते रहोगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो ट्रेवर सभी का नेता बनाने वाला है, ये ले बेटे। तो फिलहाल चलिए बता दोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बॉडी ऊपर ऐसी लटकी रह जाएगी, नीचे भी नहीं गिर पाओगे नमूनों, क्योंकि ट्रेवर से पंगा लिया है। इस वक्त ट्रेवर का पैसा जीरो किया तुम लोगों ने, इतना मारूंगा खत्म कर दूंगा सभी को। तो चलिए भाई फटाफट से कुछ बंदों को मारता हूँ, कुछ से पूछताछ करता हूँ, देखते क्या होने वाला है। चाचा जी आप भी पूछताछ करो, मैं भी पूछताछ करता हूँ, तो ठीक है भाई चलिए चेक करता हूँ सारी की सारी चीजें, हर एक चीज, बस कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी है मेरे को, तो मजा आ जाएगा। ये ले बेटे जल्दी से बोल फटाफट से, कहाँ मिलेगा तुम्हारा वो मेयर, मेरे को पैसा वापस चाहिए मेरा सारा का सारा। बंदे से बात हो गई है, बंदा बोला डर के मेरे को बोलता है ट्रेवर सर हमें किसी को नहीं पता कहाँ पर पैसा मिलेगा, शैतान के बॉस को पकड़िए उसको पता है कहाँ पे आपका सारा पैसा मिलेगा, कहाँ पे मेयर मिलेगा, लैपटॉप वगैरह हर वो सब कुछ जानता है, प्लीज हमें छुड़वा दीजिए। अमेजिंग भाई, शैतान का बॉस इस वक्त कहाँ पर है, लोकेशन मिल गई है, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, तेरे को बाद देखूंगा। चाचा आप लोग यहीं पर रहो, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है मैं जाकर के चेक करता हूँ,
आपको जब मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा आप काम करना, इनको सभी को बाद में मार देना, ठीक है? शैतान का बोस इसका मतलब सब कुछ जानता है, वो मिला हुआ है सारी चीजें। बहुत बढ़िया भाई, चलिए अगर उससे पता चलता है मेरा पैसा कैसा आएगा तो भाई जनता को पता भी चलेगा, लोस सैंटोस को पूरा अपना पैसा मैं सारा का सारा वापस मंगा लूंगा। हम लोग पहुंच चुके हैं, मैंने अपने हेलीकॉप्टर स्क्वाड को बुला लिया है कि जल्दी से आ जाओ, कुछ बंदों को मारना है। सामने बंदे बैठे हैं सारे सारे आर्मी वाले बंदे बन करके, ताकि किसी को शक ना हो। शैतान वाला बेस मतलब अपने बोस जो है बहुत चालू है, इसको पता है पुराने तरीके के, आर्मी का बन के बैठ जाओ, पुलिस वाला बन के बैठ जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसको पता नहीं है ट्रेवल इन चीज़ों का, सब कुछ सीख चुका है। अबे नमूनो, इतना मारूंगा, आ जा बाहर निकल के, आ जा कवर के राजा, ये ले बेटे ड्राइवर की आर्मी, अटैक करो बंदों पे, कोई बंदा जिंदा नहीं बचना चाहिए। नमूनों ने मेरे को मारना चाहा ना, मारो फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी। तो चलिए भाई, मेरे हेलीकॉप्टर वाले बंदे सभी का नेता बना देंगे तुरंत ही। वो भाई आरपीजी भी बंदों के पास में, आरपीजी मार रहे हैं मेरे हेलीकॉप्टर वाले बंदों के पास में। चलिए चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, जल्दी सभी को खत्म कर देंगे। आराम से अटैक करो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। मैं नीचे से देखता हूँ सभी बंदों को, यहाँ पे शैतान का बोस है, उसको पकड़ना है, मेन टारगेट वही नमूना है हमारा, बस उसको पकड़ो और सारा काम खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए फिलहाल भाई थोड़ा सा और आगे निकलना है, क्योंकि इन बंदों ने इस वक्त स्लो सेंटर को भिखारी बना डाला यार। अगर जल्दी सारा पैसा वापस नहीं आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ड्राइवर का पैसा जीरो पड़ा हुआ है, मेरे पास जो कैश में गोल्ड है वगैरह वही बचा है, बैंक अकाउंट तो मेरा भी चला गया। खैर अच्छी बात बताऊँ, मैं बैंक में पैसे कम रखता हूँ तो मैं इतना गरीब नहीं हुआ, बाकी बंदे गरीब हुए भाई, सीधी सी बात है। मैं तो बहुत कम पैसे रखता हूँ, क्योंकि मेरा दो नंबर का पैसा सारा सारा, तो इसलिए मैं पैसा बहुत कम रखता हूँ अपना बैंक में। मेरा पास कैश मिलेगा ज़्यादा, बिटकॉइन में मिलेगा, अलग अलग जगहों पर मिलेगा, नॉर्मल बैंक में पैसा मैं नहीं रखता। अबे नमूना इतना मारो, हेलीकॉप्टर वाले बंदो मारो इनको, मारो फटाफट से, और जल्दी बताओ कहाँ पर है शैतान का नमूना। शैतान का प्यारा बॉस मेरे को मिल चुका है भाई। मेरे हैकर से तुरंत मेरे को इन्फॉर्मेशन दी और बोला ट्रेवर सर वो अटैक करते, तुरंत पीछे के रास्ते से निकल के भाग गया, अपनी बाइक से भाग रहा है। आप भी फटाफट से बाइक को लीजिए, मतलब कि अपनी गाड़ी को लीजिए, तुरंत पहुंचिए, जल्दी से इसका नेता बना दो। ले बेटे लगी ना आया मजा, शैतान के चाचा जल्दी से आ जा, नहीं तो इतना मारूंगा यार, ये नमूना मानेगा नहीं। उतर बाइक से उतरा, ठीक है बदतमीजी। अरे अरे भाई एक पीछे हेलीकॉप्टर है इसका, लगता है कोई इसका बंदा होगा इसलिए उसको चिपका लिया। अरे मेरे प्यारे चाचा हेलीकॉप्टर वाले, रस्सी फेंक जल्दी से, जल्दी 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 मेरे को निकलना है। अरे भाई इसमें चारों बंदे बैठे, मेरे को दूसरा हेलीकॉप्टर मंगाना पड़ेगा, मंगाता हूँ और इसको फॉलो करवाता हूँ। फिलहाल मैंने अपने हेलीकॉप्टर की स्क्वाड को मंगा लिया है, चल 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 जल्दी से रस्सी डाल, जल्दी जल्दी जल्दी। इस वक्त नमूना भाग सकता है भाई, सामने से मेरे को दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं बंदों को फॉलो करते करते मेरे हेलीकॉप्टर वाला बंदा मेरे को मेन जगह पर लेकर के पहुंच चुका है। अब बना दो इसको नेता, लगता है भाई शायद यहाँ पे खड़े होकर कुछ सोच रहे हैं, मेरा तो काम बन गया ना। अबे नमूने तू यहाँ से निकल जा लेकर के इस हेलीकॉप्टर को, हेलीकॉप्टर चिपक के भागेगा तो सोचा कुछ नहीं होगा, बन गया ना नेता। चल चल ट्रेवर जल्दी से नीचे से कूद, मेरे प्यारे हेलीकॉप्टर वाले बंदो तुम्हें बाद में मिलता हूँ मैं, जल्दी से देखता हूँ शैतान का नमूना कहाँ पर गिरा है। वो रहा जा रहा है नीचे, येलो कलर का कपड़े पहन कर रखे आप जैसे देख रहे होंगे, इसको बनाता हूँ मैं, करूँगा सीधा बेटे, आ रहा हूँ, मरता हूँ मरने दो ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। फिलहाल मरा नहीं है, कौन से कैप्सूल खा के रखे इसने, जो भी है मैंने इसका नेता बना दिया भाई। मेरी लैंडिंग बहुत पूरी होने वाली है, क्योंकि मेरे को गिराना पड़ेगा, ड्राइवर को गिराना ही पड़ेगा, शक्तिमान हो भाई। अरे बड़ी बुरी लैंडिंग हुई है, मैंने इतनी बुरी नहीं सोची थी, फाइनली मैं ऊपर पहुंच चुका हूँ। अगर तू भाई कूद के भाग यहाँ से दिक्कत हो जाएगी तेरे को बहुत ज्यादा, ऐसे खड़ा हुआ है, चाहे तो भाग सकता था, मैं नीचे गिर गया था, ये बंदा चाहे तो भाग सकता था, क्यों नहीं भागा? एक सेकंड, क्या है ये? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, इनविजिबल फॉर्मूला शायद, पक्का नहीं बोलूंगा, शायद इसने लेके रखा है, गायब हो गया। अबे बाहर आ जा, तेरे को मैं बहुत मारूंगा बेटे, नहीं तो इतनी मेहनत से इसको मैंने पकड़ने की कोशिश करी, एक तो एक बहुत समझ नहीं, बंदा गिर के ऊपर से मरा नहीं, शायद से भाई इसने पैराशूट का यूज किया हो, मैंने देखा नहीं ठीक से, बट पॉइंट क्या है, बंदे ने गायब हुआ एकदम से। अरे यार सारी मेहनत खराब हो गई, मैंने इतने बंदों को मारा, हेलीकॉप्टर लेकर के आया, इसका हेलीकॉप्टर ब्लास्ट किया, ये हुआ वो हुआ, चोट भी लगवाई ऊपर से कूद के यार, फाइनली बंदा गायब। इसका मतलब वो फॉर्मूला लीक हो गया भाई, शायद से गायब होने का, इसको कहते हैं प्योर किस्मत खराब। मैं यहाँ से हिला नहीं था भाई, मैं वैसे उम्मीद टूट गई थी, तो मैंने सोचा चले थोड़ी देर यहाँ पे इंतजार कर लूँ, तो मैं यहाँ से गया ही नहीं था, मैं यहाँ पे खड़ा था 20 मिनट हो गए बस मेरे को खड़े खड़े। इसका इन्विजिबल फॉर्मूला इतना घटिया, 20 मिनट तक ये सर गया, इसने सोचा ड्राइवर यहाँ से चला गया होगा, इसने ध्यान नहीं दिया, मैं पीछे ही खड़ा था चुपचाप, और यहाँ पर ये बीड़ी मार रहा है। ओ भाई अभी मेरे को दिखना मतलब दिखाई देना शुरू हो गया एकदम से ही, अबे नमूने बीड़ी मार रहा है, बेफिक्र होकर सोच रहा होगा मैं तो गायब हूँ, अब क्या कर लेगा ड्राइवर यहाँ पे खड़ा होकर के। अबे पीली टैक्सी पीछे तो देख ले, नमूने बीड़ी मारेगा भाई, कितनी मतलब किसी की किस्मत इतनी खराब थोड़ी हो सकती है, इसकी तो बड़ी खराब किस्मत है। चलिए भाई फटाफट से गैरेज पूछवाता हूँ और देखते हैं सारे सारा काम क्या होने वाला है, जल्दी से अपनी गाड़ी मंगवाता हूँ, इसको वहाँ पे पूछवा के मतलब पिटाई करूंगा और चेक करूंगा सारी चीजें, लैपटॉप वगैरह की हर एक चीज की देखता हूँ भाई, पैसे मेरे को वापस मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो लैपटॉप में ही दम है जो पैसे वापस भी पहुंचा सकता है, ऐसे ही जैसे उसने खींचे थे। मेरे पास भाई आ गया इज्जत खराब होने वाला फोन भी, मेरे को मेरे पीए ने फोन करके बोला कि ट्रेवर सर सब कुछ खत्म हो गया,
ये सारा का सारा प्लेम सच है झूठा है मेरे को नहीं पता, बट आपकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बंदे आपके खिलाफ हो चुके हैं, न्यूज़ में यही चीज़ दिखाई जा रही है। मैंने तो न्यूज़ वालों से बोला था सब कुछ हटवा देना, बट दिक्कत हो गई लगता है शायद से, न्यूज़ में सारी चीज़ चल गई है कि लिबर्टी सिटी में ट्रेवर ने जाकर पहले तो बिल्डिंग कोड आया, उसके बाद फिर लिबर्टी सिटी के मेयर ने ट्रेवर से बदला लेने के लिए सारा सारा काम किया, ये सारे सारे ट्रेवर का इरादा करा हुआ है। ट्रेवर की वजह से ही आज लॉस सैंटोस को इतनी देखना पड़ रहा है कि लॉस सैंटोस में एक भी रुपया नहीं किसी के अकाउंट में, क्योंकि ट्रेवर ने ही लिबर्टी सिटी से लड़ाई करी जानबूझ के, ट्रेवर को लड़ने में मजा आता है वगैरह वगैरह। ये बात तो लीक नहीं हुई कि बादशाह वगैरह का चक्कर है, बट मेरे को जानबूझ के फंसाया जा रहा है कि मैं क्रिमिनल हूँ, मैंने पैसों के लालच में लिबर्टी सिटी को उड़ाया, मैं धमकी देने गया था वहाँ पर कि मेरे को पैसे चाहिए, ऐसे से न्यूज़ चल रही है भाई, और एक तरीके से मेरी वैल्यू इतनी डाउन कर दी गई है बहुत ज़्यादा कि पैसे के लिए मैंने सारे काम किया और मेरा काम मेरा उल्टा ही पड़ गया कि यहाँ पर बंदों ने मेरा पैसा आकर के फिर मेरे से ही लूट लिया। तो फिलहाल देखा जाए मेरी इतनी बैड वैल्यू कर दी बहुत ज़्यादा। पीए तो मेरे को ये बोल रहा है कि ट्रेवर से ये बात सच्ची है झूठी हम नहीं जानते, बट अब सब जान चुके हैं कि लिबर्टी सिटी वाले बंदे कर रहे हैं लॉस सैंटोस के साथ में, और जिसके कारण सिर्फ आप हो ट्रेवर सर, सिर्फ आप, बुरा हुआ भाई। तो इसलिए पीए मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है मेरा प्यारा भाई, बोल रहा है कि ट्रेवर सर आप फटाफट से जगह पहुँचिए, मैंने आपके लिए एक जल्दी से स्पीच रेडी करवाई है, वहाँ पर जाके बोलिए पहुँचिए बंदों को, बोलिए कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब कुछ सोल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए भाई फटाफट से पहुँचता हूँ, एक झूठी स्पीच देने का टाइम आ चुका है यार, देखो बंदों को मनाना पड़ेगा और लिबर्टी सिटी वाले बंदे को मैं छोड़ूंगा नहीं, एक काम करते हैं यहाँ वहाँ जाके, बहुत हो गया, बहुत इज्जत खराब हो गई यार लॉस सैंटोस की, मतलब कि अपने ड्राइवर की, इतने दिन से मैं इज्जत से कर रहा हूँ यार सारे काम, और इन्होंने सारा काम खराब कर दिया। स्पीच दे के तुरंत निकलता हूँ जगह पर और बनाता हूँ लिबर्टी सिटी वाले बंदों का नेता, वहीं पर जाके घर में घुस के बंदों को मारूंगा। अब तो जो होना था वो तो हो गया, अब तो बंदे सोचते हैं मैंने सारा काम किया है, तो कम से कम मैं जाके मेयर को पीट के लेकर के आऊँगा और बोलूँगा कि बता सच क्या है। पहुँच चुका हूँ भाई मैं जगह पर, फिलहाल थोड़ा सा दिन भी निकल चुका है, अब फिलहाल हमें बंदे पहुँच चुके हैं, मैंने सोचा रात के टाइम ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। चलिए फिलहाल चेक करता हूँ जगह पर सारी की सारी चीज़ें मेरे प्यारे भाइयों, अभी चलो इनको स्पीच देता हूँ, अच्छे समझाता हूँ कि पैसा वगैरह कैसे चोरी हुआ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे पर भरोसा करो वगैरह वगैरह। ड्राइवर हमेशा लॉस सैंटोस का भला ही चाहेगा, देखते हैं क्या क्या चीजें, जनता भाई कितना गुस्सा खा के बैठे ट्रेवर के ऊपर, ट्रेवर बैठे ऊपर चढ़ लॉस सैंटोस के। मेरे प्यारे भाइयों देखो, मैंने जो कुछ भी किया है जो तुम देख रहे हो न्यूज़ पे सब कुछ गलत है, लिबर्टी सिटी वाले बंदों ने जानबूझ के सारा का सारा काम किया है, वो मुझे फंसाना चाह रहा था ताकि मेरी इमेज डाउन हो जाए, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छा शेयर क्यों करता। मैंने 80% से कुल 1 या 2% पे क्राइम रेट लेकर के मैं आ चुका हूँ, फिर मुझे कोई जरूरत ही नहीं है ये सब कर रहे की, सब कुछ गलत साबित किया जा रहा है, मतलब गलत कर रहे हैं बंदे, समझ रहे हो आप लोग। ड्राइवर हम तुम्हारी सच्चाई पहले से जानते थे और अब तुमने यकीन दिला दिया, तुम कभी नहीं सुधर सकते ड्राइवर, तुमने लॉस सैंटोस को बर्बाद कर दिया, तुम बर्बाद कर दिया तुमने लॉस सैंटोस को। अरे हमारे तो लॉस सैंटोस पहले ही बढ़िया था, कम से कम पैसे तो थे हमारे पास में, क्राइम था कोई बात नहीं चलता था, बट पैसे थे, तुम्हारे राज में तुम्हारे हाथ से पैसे चले गए ड्राइवर, तुमने ही सब कुछ किया है, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, तुम्हें क्रिमिनल हो और तुम कभी नहीं सुधर सकते, तुम कभी नहीं सुधर सकते ड्राइवर, तुमने जानबूझ के लालच में उनको मारा, फिर लिबर्टी सिटी हमारे ऊपर अटैक किया, तुमने खुद ही एक जंग शुरू की है ट्रेवर, हमें तुम्हें प्रेजेंट नहीं देखना, रिजाइन करो रिजाइन करो, हमें तुम्हें नहीं देखना, रिजाइन करो रिजाइन करो ट्रेवर रिजाइन करो, तुम एक बेकार प्रेजेंट हो, तुमने लॉस सैंटोस को बिकवा दिया पूरा का पूरा, अब पता नहीं क्या होगा। हमें तो यह भी पता चल रहा है कि तुमने जानबूझ के लिबर्टी सिटी के साथ डील करी है ताकि ऐसा लगे कि लड़ाई चल रही है, बट जानबूझ के तुमने उनसे हाथ मिलाया ताकि तुम्हें भी पैसे मिल सके, तुमने भी पैसे मारे हो ट्रेवर इस चीज में, तुम भी धोखेबाज हो, तुम भी स्कैम कर रहे हो, तुम भी करप्ट हो, तुम बेकार बंदे हो। यार ये तो कुछ ज्यादा ही चल रहा है, जनता ने इतना गुस्सा निकाल डाला, देख रहे हो क्या क्या सोच के बैठे हैं, मतलब मैंने भी हिस्सा लिया लिबर्टी सिटी वाले बंदों से सारा काम करने के लिए, मैंने लुटवाया बंदों को, अमेजिंग बहुत बढ़िया भाई। मैंने बोला था ना कितनी भलाई क्यों ना कर लो, एक काम अगर गलत हो जाता है ना तो बंदे उसको याद रखते हो, सारे अच्छे काम भूल जाते हैं, वही वाला काम किया इन बंदों ने, मैंने इतना भला किया और बोल रहे कि ट्रेवर सर हमें नहीं चाहिए था क्राइम रेट कम, पैसा नहीं है हमारे हाथ में, हम क्या करेंगे। एक तरीके से इनकी बात भी सच है, लिबर्टी सिटी के मेयर को ये नहीं करना चाहिए था, एक बार को भाई आता यहाँ पे आर्मी को लेकर अटैक करता चलता, मैं अपनी आर्मी को भेजता और उनको मरवा देता, बट उस बंदे ने पूरे लॉस सैंटोस को पैसा चुरा लिया भाई, ये उसने बहुत खतरनाक काम सोचा और किया, और भाई इसने सच्ची में एक ही वार से मेरे को बर्बाद कर दिया, जनता की नज़रों में फिर से विलन बन चुका हूँ, जो पैसे खाए जिसने लॉस सैंटोस को बेचना चाहा और फ्री में लड़ाई करी दूसरे शहर में जा कर के, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं मेरे बारे में बंदे, सारी इज्जत पानी में निकल गई, अब ना पानी सर के ऊपर चला गया है, अब आप देखना ट्रेवर क्या करेगा। ट्रेवर बेटे बहुत हो गया, बहुत जी लिया इज्जत से, प्रेजेंट में अभी भी हूँ, 4 दिन मेरे पे बचे हुए हैं, 3 या 4 दिन जो भी बचे हैं, दिखाता हूँ इन बंदों को सभी को, दम लो सैंटोस को भी और उस लिबर्टी सिटी वाले बंदे को भी। चल ट्रेवर निकल।